क्या करना चाहिए? आप फिक्र मत कीजिए सर, वो बॉर्डर भी पार नहीं कर पाएगा, मुझ पर छोड़ दीजिए। सर आप बस हुक्म कीजिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके आपकी बेटी को वापस लाऊंगा, हुक्म कीजिए। मुझे अगर उसके साथ गली के कुत्तों जैसा लड़ना होता तो मैं अपने ताऊ की गर्दन नहीं मरोड़ता। वो मेरी रगरग से वाकिफ है और मैं उसकी रगरग से। हमारे हर एक आदमी को वो अच्छे से पहचानता है। कोई बाहर वाला चाहिए, गरम खोपड़ी का चाहिए। जैकब को बुलाओ। उसे भी चीर कर निकल जाएगी। आप उनके पास एक ही चांस होगा। ये सही है। सीएम और उसकी फैमिली, एक एक मूवमेंट की खबर चाहिए अपने को। कल कोलापुर में उत्सव है, सीएम वहां का चीफ गेस्ट है। शुरू हो भैंसी को किसी धारदार चीज से जख्मी कर देना, वो भड़क कर लोगों पर टूट पड़ेगा। पुलिस और पब्लिक का ध्यान भटक जाएगा, उसी टाइम सीएम को ठोक दूंगा। डैडी आप तो स्टेट के सीएम हैं, पर मुझे क्यों लेकर आए? तुम मेरे बेटे हो ये तो सारी दुनिया जानती है, पर इस सीएम पोस्ट के वारिस भी हो ये सबको बताना होगा। Thank you.
पहुंचे यहाँ हम हर तरफ हिल तो सही छुपा के दर You know my name, not my story I aim for the win, battleground, that's my glory कोई नहीं, जिससे डरूं We in the zone now, वक्त से लड़ूं Walking through, I'm raining bullets Finger always on the trigger, I just pull it दुनिया को मैं गिर पड़ा हूँ सब भूल के यूं फिर खड़ा हूँ दुश्मन से डर नहीं मैं तेरी खातिर भिड़ पड़ा हूँ When I see no help, just surrounded by fire Bruised up, still bleeding, little tired As I look for some hope of survival My team falling from the sky, revival Winner, winner, chicken dinner We trying to be the one Aur tum sare yahan beginners Scope jab lagata baki teams karti shiver MVP wala scene bro Boys tere filler, huh? Pochinki mein baithe Like we freaking run it Revive bhi main deta Wins be 100 Camp nahi main karta Noob wala scene nahi Oopar se hain aate boys Karte hum neel nahi Medical kit bhi team meri lit bhi Ghuske phir jata phir hota kuch knit nahi Hote hum split nahi Ye koi gimmick nahi PUBG mobile hai ye beta kuch skit nahi Enemies ahead Aur bag mera loaded Om mere haath mein You can't even afford it Ye kehte karte waste hain hum time We just married to the game Apni baat pe hain kaim Samajh na sake Kuch logon ke hum plan Tu kar kuch alag to saale kar dete hain ban सब भूल के यूं फिर खड़ा हूँ दुश्मन से डर नहीं मैं तेरी खातिर भिड़ पड़ा हूँ When I see no help, just surrounded by fire Bruised up, still beating, little tired As I look for some hope of survival My team falling from the sky, revival खेलता जा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक खुश आमदीद आप सबका PUBG मोबाइल के टू गेमर पाकिस्तान इस शोडाउन में और PUBG के टू गेमर से शोडाउन का पहला मैच रहेगा ग्रुप स्टेजेस स्टार्ट हो चुके हैं ग्रुप वन के मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं जिसके अंदर हमारे पास अभी टोटल 16 टीम्स ने ज्वाइन कर लिया है और प्लेन पाथ हमारे ऑन द स्क्रीन सामने आता हुआ प्लेन पाथ की अगर बात करें तो डेल्टा पावर से होता हुआ प्रीमोस्ट पे एंड करेगा और ऑलमोस्ट सभी ही टीम्स अपने अपने ड्रॉ पॉइंट्स पे उतर चुकी हैं और सर्कल की बात करें तो पहला सर्कल बनता हुआ अपने ड्रॉ पॉइंट्स पे उतर चुकी हैं और सर्कल की बात करें तो पहला सर्कल बनता हुआ गाटका को सेंट्रलाइज करता हुआ सर्कल कटेगा तो देखते हैं अभी टीम्स किस तरह से खेलती हैं क्या सिचुएशन रहती है
टीम आरडी की बात करें तो टीम आरडी यहां पे अपनी व्हीकल्स लेके रोटेशन स्टार्ट करते हुए नजर आ रही हैं, और इन्हीं के सराउंडिंग में टीडब्ल्यू का भी टीडब्ल्यूडी का स्क्वाड भी उतरता हुआ नजर आ रहा है। और टीडब्ल्यू की बात करें तो ये चारों के चारों प्लेयर्स अपने करेंगे और यहाँ पे हमें जो है लूट करते हुए नजर आएंगे, और लूट करने के बाद जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ाते हमें नजर आएंगे। लेट्स सी, देखते हैं किस तरह की जो है इनकी जानिब से गेम प्ले देखने को मिलता है, क्या सिचुएशन रहती है इनकी। बाकी अगर बात कर लें तो इस लोबी में हमारे पास डब्ल्यू डी और आर डी का स्क्वाड मौजूद है, उसके अलावा ओगजी की टीम खेलती हुई नजर आ रही है, ओगजी यहाँ पे मौजूद है, टाका मौजूद, क्रॉन्टन यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं, तो चारों के चारों प्लेयर्स ये भी मौजूद हैं। टी आर बी का स्क्वाड मौजूद वाला, उसके अलावा टीम डॉक्टर मौजूद है, सेवन पंडित का स्क्वाड भी मौजूद रहने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी अच्छी टीम्स हमें जो है इस लॉबी में ज्वाइन कर चुकी हैं, और देखते हैं अभी ये लोग टीम्स किस तरह से खेलती हैं, किस तरह का जो है गेम प्लान की जानिब से हमें देखने को मिलता है। ऑन द अदर साइड अगर बात करें तो यहाँ पे एस टू ही रहने वाली है, तो प्रो टीम्स हैं वो भी इस सारे सिनेरियो में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो भी जो है एक्शन थोड़ी देर में आते हुए नजर आएंगी। नोवो के अंदर ये टीम उतर चुकी है और इनको काफ़ी दूर रोटेशन करके जाना है। अभी तक के लिए जस्ट जो है यहाँ पे लूट वगैरह करने में बिजी हैं सारे के सारे प्लेयर्स, जैसे ही लूट कंप्लीट होगी तो डेफिनेटली यहाँ से जो है ना हमें रश करते हुए आगे बढ़ते हुए ये नज़र आएंगे। देखना ये होगा कि किस तरह की जो है इनकी जानिब से गेम प्ले निकाला जाता है, क्या जो है कुछ एग्रेसिव स्टाइल देखने को मिलता है, या कुछ स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा स्लो पेस चलेंगे, उसके बाद हमें जो है आगे एग्रेस करते हुए नजर आएंगे। टेस की बात कर लें दो प्लेयर्स उनके भी मोस्ट दोनों के प्लेयर्स यहाँ पे काउंट्स के अंदर होल्ड करते हुए अभी तक वाटर सिटी के अंदर शहरी उतर और अपनी लूट बिजी नजर उधर। ऑफिशियल का स्क्वाड भी मौजूद रहने वाला है इनके पास भी, यहाँ पे चारों प्लेयर्स मौजूद हैं, केविन मौजूद हैं, मेंटल मौजूद रहने वाले हैं, टाइम वेस्टेड और आशिर, चारों के चारों प्लेयर्स हमारे सामने ऑन द स्क्रीन। टाइम वेस्टेड की जानिब से व्हीकल ले ली जाती है और व्हीकल लेके शायद यहाँ से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और व्हीकल्स के साथ नेक्स्ट जो है रोटेशंस भी करते हुए नजर आएंगे। केविन अभी तक अपने कंपाउंड में मौजूद हैं, वहीं पे ही रुकते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और फाइनली इनको इनके टीममेट की जानिब से पिक किया जाता है और अभी दोबारा से रोटेशन में नजर आएंगे। बीएलआर का स्क्वाड ये भी यहाँ पे मौजूद, चारों पे चारों प्लेयर्स इनके भी मौजूद रहने वाले हैं। व्हीकल्स इनकी जानिब से भी ले ली जाती हैं, व्हीकल्स लेके आगे बढ़ते हुए ये टीम हमें नज़र आ रही है। वीएलआर सेंसे मौजूद हैं, दानी मौजूद रहने वाले हैं और हैकर मौजूद रहने वाले हैं, चारों के चारों प्लेयर्स ये भी जो है आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जोन यहाँ पे क्लोज इन कर रहा है और जो टीम जोन से बाहर है उनको जल्दी से जल्दी सर्कल के अंदर आना होगा। सर्कल के अंदर अगर बात कर लें वीआरआर की टीम काइंड ऑफ सेंट्रल पॉइंट के ऊपर मौजूद है, उसके अलावा टीआरबी का स्क्वाड बिल्कुल डेड सेंटर के अंदर मौजूद है और अभी तक यहाँ पे जो है होल्ड करते हुए नजर आएंगे। और जो कंपाउंड्स रहते हैं गाटका के सराउंडिंग में वहाँ पे जो है हमें लूट करते हुए नजर आ रहे हैं, और देखते हैं अभी पहली फाइट कहाँ पे बनती है। ड्रॉप क्लैश की अगर बात करें तो शायद कोई भी ड्रॉप क्लैश नहीं बनाया गया, यसनाया के अंदर हमें दो खिलाड़ियाँ टीम सी एम उतरी है, इनके साथ ड्रॉप क्लैश में आती है टीम प्रोफिशनल। तो ये दोनों ही टीम्स काफ़ी एक दूसरे से दूर रहने वाली हैं, सर्कल मैप के अंदर भी अगर देखें तो मैप में दोनों ही टीम्स एक दूसरे के दूर नज़र आ रही हैं। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी लूट में बिजी हैं, कोशिश की जा रही है लूट की जाए, उसके बाद ही आगे बढ़े। शायद यहाँ पे कुछ हमें इंगेजमेंट होती हुई नजर ना आए, सोलो प्लेयर को ही आगे बढ़ना होगा। अभी देखते हैं कि ये अपनी टीम को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। अदर साइड एएलटी की अगर बात कर लें, उन्होंने अर्ली दो किल्स स्कोर कर लिए हैं और अभी चारों के चारों प्लेयर्स अलाइव हमें नजर आ रहे हैं, तो पास इनके लिए तो मसला नहीं होने वाला। चारों के चारों प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए हमें नज़र ज़रूर आएंगे। देखते हैं कि अभी नेक्स्ट और जो स्क्वाड है उनके साथ क्लैश लिया जाता है या जो है होल्ड कर कराएंगे। असद के पास भी व्हीकल मौजूद है, हसन के पास भी व्हीकल रहने वाली है, मैमो और सिंपल ये भी व्हीकल्स के ऊपर ही सफ़र करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और जोन के अंदर एंट्री बना ली जाएगी। लेकिन इसी सारे स्नैरियो में टी डब्ल्यू डी के स्क्वाड की फाइट बनती हुई
अब ब्लेड को यहाँ पे नॉक किया जाता है और साथ ही साथ मास्टर को भी नॉकडाउन कर दिया जाएगा। दो प्लेयर्स नॉकडाउन हो चुके हैं, बाकी के दोनों प्लेयर्स अपने प्लेयर को रिवाइवल देने के लिए, उनको बैकअप देने के लिए पहुँच चुके हैं। इनके सामने CSB का स्क्वाड रहने वाला है। CSB की टीम की बात करें, अपने अच्छे खासे एंगल्स उन्होंने होल्ड कर लिए हैं और इन्हीं एंगल से ये किल्स कंफर्म करना चाहेंगे। एक किल उठा भी लिया जाएगा, लेकिन ट्रेड नॉक्स आते हुए कार्बन को यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया जाएगा। टीम TWD यहाँ पे नहीं रुकने वाली, एक और प्लेयर को नॉक किया जाएगा। हमसा लास्ट प्लेयर सर्वाइव करते हुए टीम्स हमारे साथ थे, टीम्स बाकी रहने वाली हैं और सर्वाइव करते हुए डॉक्टर सर्वाइव करते हुए पास मौजूद और जोन के अंदर एक अच्छी पोजीशन ढूंढ ली जाएगी उनकी जानिब से। और सर्कल काफ़ी छोटा हो चुका है, बात करें तो ऑलमोस्ट सभी ही टीम सर्कल के अंदर पहुंच सर सर्कल से पंडित भी फाइनली यहाँ पे व्हीकल्स लें ऐसा से आगे रूटे। कुछ खास इनको मसला नहीं वाला, सेकंड्स में सर्कल किया जाएगा, लेकिन नहीं स्पेशल की बात करें तो शायद यहाँ पे उनकी जानब से रोटेशन डाली जा रही है। यहाँ पे चारों के चारों प्लेयर्स बाहर से सर्कल के अंदर एंट्री लेने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि 7 पंडित का स्क्वाड बिल्कुल सामने मौजूद। जोरों की जानब से व्हीकल निकाली जाती है और स्पोर्ट कर लिया जाता है, और स्पोर्ट करते साथ ही यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक और दूसरे के ऊपर क्रॉसर जमा चुके हैं हाशिर। यहाँ पे अच्छा खासा इनको स्प्रे देते हैं और जोरो को यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया जाएगा। हाशिर जोन से बाहर डैमेज लेते हुए और जोन से बाहर ही उनको नॉकडाउन कर दिया जाएगा जोन की तरफ से। और 7 बैंडेड की बात करें तो सर्कल का भी डैमेज पड़ रहा, अभी अपने प्लेयर्स को रिवाइवल भी देना है। जोरो बॉय रिवाइवल देने के लिए रुक चुके हैं, ऑलरेडी 6 किल्स इनके पास मौजूद हैं, लेकिन यूजर ऑफिशियल की बात करें तो वो भी थोड़ा सा आगे जाके रुक चुके हैं। उनकी जानिब से वेट किया जा रहा है टीम 7 बैंडित का कि वो अगर यहाँ पे अब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा रोका जाएगा इनकी जानिब से और उनके किल्स भी कन्फर्म किए जा सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे। यूजर केविन यहाँ पे मौजूद, उनके टीममेट भी मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन सर्कल एक और शिफ्ट ले चुका है और सर्कल अगेन इनसे दूर जा चुका है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और फाइनली यहाँ पे व्हीकल लेके जाने की कोशिश में लग चुके हैं। बैक एंड से 7 बैंडिट का भी स्क्वाड आ रहा है, अगर वो इनको ट्रैक कर लेते, अगर इनको पकड़ लेते की फाइट में कहीं ना कहीं नुकसान में जा सकते हैं, लेकिन आगे ही जाते हुए उनके आगे आगे ही जाने की कोशिश जा रही है। शायद यहाँ पे रुक के कुछ फाइट लेने में जो है फाइट लेने की, लेकिन अभी तक नहीं मिलेगा। लेकिन सर्कल एक और शिफ्ट लेता हुआ, सर्कल अगेन जाएगा एक सेंट्रल शिफ्ट लेता हुआ। TRB का स्क्वाड अगेन सर्कल के अंदर ही रहने वाला है, लेकिन ये जो रेस चल चुकी है ये काफी इंटरेस्टिंग बनती हुई नजर आ रही है। यूजर ऑफिशियल का पीछा करते हुए टीम 7 बैंडित आ रही है, लेकिन जिस जाने भी ये टीम जा रही है वहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्क्वाड्स रहने वाले हैं, तो बचना होगा सामने जिस जगह पे आप जा रहे हो उस जगह से बचना होगा। अगर सामने कुछ मौजूद हुई आपके वो आपके लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन टीम वो भी आगे बढ़ेंगे। अभी उनकी जाएगी रोटेशन डाली जाएगी। VLR का स्क्वाड बिल्कुल सामने मौजूद है। यूजर ऑफिशियल के जो दो वो बच के बचाते यहाँ पे पहुँचा है, वो भी बिल्कुल सामने से रोटेट आउट करता हुआ नज़र हमें आ रहा है। शायद उनके साथ भी एक क्लैश बन सकता है, लेकिन TRB के स्क्वाड की बात करें तो उनके पॉइंट में अच्छा खासा होल्ड बना के बैठे हुए और वहाँ पे ही वेट करते हुए अभी तक कोई भी उस तरह की मूव इनकी जानिब से नहीं निकाली जाएगी। लेकिन डेस वेंजेंस अभी तक सरवाइव करते हुए और बैक टू बैक अपनी टीम के किल पॉइंट्स भी निकाल रहे हैं, और आई थिंक सो अब खासे जो है किल जिनके पास आ चुके। आई थिंक एक पहला नॉक उनकी जानिब से निकाला जाता है, पहले भी एक नॉक किया था लेकिन किल कंफर्म नहीं कर पाया, अगेन एक नॉक निकाला है, तो देखना ही होगा क्या इस दफा किल कंफर्म कर पाएंगे। लेकिन 1v1 होता हुआ रहमान के साथ और रहमान के स्प्रेज यहाँ पे अच्छे जाते हुए और रहमान की जानिब से नॉक डाउन किया जाता है, और साथ ही साथ किल भी उनके खाते में चला जाएगा। टीम RD को भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए एक प्लेयर उनके नॉक डाउन पड़े हुए हैं मुजरिम, उनको जल्दी से जल्दी रिवाइवल देना होगा और स्मोक्स का कुछ विजुअल कवर बनाने की आउट की जानिब से तरह कर दिए जाएंगे। और साइड अगर H2E की बात करें तो H2E भी चारों प्लेयर्स के साथ मौजूद है। दो प्लेयर्स जो हैं
सकते हैं। मैक्स के पास एक किल है, फैल्कन के पास एक किल है और दो प्लेयर्स अभी विदाउट किल ही कर रहे हैं। अभी 38 प्लेयर्स मौजूद हैं, तो अगर लास्ट स्टेजेस तक जाते हैं तो आ सकते हैं। और भी चारों प्लेयर्स के साथ मौजूद हैं और ये रोटेशन जारी है। रजा भी मौजूद, एक्स गो मौजूद, उसके अलावा वर्जिल मौजूद हैं। चारों प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए वीआर के साथ शायद क्लैश लहना चाहते हैं। वीएलआर के स्क्वाड के बिल्कुल सामने जाकर रुक जाते हैं। लेट्स गो की बात करें तो वो आगे बढ़ चुके हैं, डीबीएस उनके हाथ में है। यहाँ पे बैक टू बैक शॉट देते हुए एक नॉक, दूसरा नॉक, तीसरा नॉक, और देखते ही देखते सामने वाली टीम को काफी नुकसान देते हुए, लेकिन खुद की टीम को भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा थर्ड पार्टी का शिकार होते हुए। तीन प्लेयर जिनके भी नॉक डाउन हो चुके हैं उनको जल्दी से जल्दी रिवाइवल देना होगा, लेकिन टीएस का स्क्वाड भी यहाँ पे पहुंच जाता है। टीएस के स्क्वाड यहाँ पे फाइट उनके साथ लेते हुए, लेकिन लेट्स गो एक एक करके सभी प्लेयर्स को लॉबी का रास्ता दिखाते हुए आई थिंक सो इनकी जानिब से यहाँ पे 1v2 क्लच पुल ऑफ किया जाता है। लेकिन टीम सेवन बैंडित वो थर्ड पार्टी पे यहाँ पे करते हुए और किल्स क्योर करते हुए टोटल 10 किल्स हो चुके हैं इनके पास। राफे टोटल 6 किल्स के साथ मौजूद हैं, 3 किल्स हाइस्ट के पास रहने वाले हैं, जोरो के पास भी एक किल मौजूद है 10 किल्स के साथ। चारों के चारों प्लेयर्स ये काफी ज्यादा एग्रेसिव स्टाइल में हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऑन द अदर साइड टीआरबी के स्क्वाड की बात करें वो भी फाइट में आते हुए दोनों के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे मौजूद थे, अभी उनकी भी फाइनली एंगेजमेंट्स बनती हुई नजर आ रही और उनकी जानिब से कुछ यहां पे स्प्रेज देने की कोशिश की जा रही है। और बिल्कुल उनके नीचे देखें तो डॉक्टर का स्क्वाड जो प्लेयर्स अभी तक सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे थे वो बिल्कुल नीचे आके रुक चुके के साथ एंगेज कोशिश की जा रही है। नूब प्रीति यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं, ओजी के स्क्वाड वो भी अभी तक हमें पास फाइट्स में आते हुए नजर नहीं आए, जस्ट एक ही किल उनके पास मौजूद है, लेकिन चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं तो ये उनको नेक्स्ट स्टेज में खासा फायदा देगा। लेकिन सेवन बैंडित की टीम यहाँ पे लास्ट किल भी स्क्योर करते हैं, जो प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे उनके बिल्कुल साथ लेट्स गो उनको एलिमिनेट करके एक और किल का अपने खाते में डालते हुए एक और किल का इजाफा कर आगे बढ़ सेवन बैंडित ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते साइड टीम ओक्सी की जानब से भी एक नॉक निकाला जाता है। टाका एक नॉक निकालते हैं और नॉक निकालते साथ ही शायद यहाँ पे रोटेशन करना चाहते हैं आई थिंक सो। यहाँ पे अभी थोड़ा सा जो है एग्रेसिव स्टांस लेते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कोशिश होगी इनकी कुछ किल पॉइंट्स भी उठाए जाएँ। टॉप एट के अंदर तो अपने आप को लेके आ चुके हैं और सेवन बैंडित के साथ यहाँ पे कुछ प्लेयर सामने हमें उनके प्लेयर भी आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ते हुए टीम ऑक्सी के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सर्कल का डैमेज काफी पड़ रहा है और इसी के साथ प्ले जोन के डैमेज के साथ ही नॉक हो जाएंगे और जो है किल का कंफर्म कर लिया जाएगा इस टीम को भी नॉक डाउन हो चुके हैं और शाका ये जस्ट दो ही प्लेयर्स बचेंगे, लेकिन सर्कल का डैमेज इनको भी पड़ने वाला है। सर्कल आ चुका है आगे बढ़ना होगा, लेकिन सामने टीम टीआरबी रहने वाली है जो इनको सर्कल के अंदर आने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रही। फीम्स जोन के बाहर ही ब्लीड आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। टीआरबी की टीम यहाँ पे अच्छे खासे किल सिक्योर करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अभी तक नॉक्स देखने को मिल रहे हैं लेकिन कुछ खास किल्स देखने को नहीं मिल रहे। नोबडी की बात करें तो नेड्स के साथ यहाँ पे नॉक निकालने की कोशिश, मास्टर के ऊपर एक नेड फेंका जरूर था लेकिन कुछ खास डैमेज नहीं निकाला जाता उस नेड की जाने से। अगेन एक नेड को कर लिया जाता है, मोली यहाँ पे फेंकी जाएगी, शायद ये मोली एक अच्छा खासा डैमेज दे सकती है और जी हाँ यहाँ पे डैमेज बढ़ेगा। मास्टर जैसे ही बाहर निकलते हैं उनके किल को उठा लिया जाएगा। टोटल 4 किल जिनके पास भी आ चुके हैं, लेकिन बस बिल्कुल साथ ही ओगजी के प्लेयर के पास आ चुके हैं। शायद इनको अगर आइडिया नहीं होगा तो शायद ओगजी के प्लेयर इनको अच्छा खासा डैमेज दे सकते हैं। बिल्कुल सामने मौजूद हैं लेकिन इबी यहां पे पीक नहीं लेना चाहते। इबी के ऊपर नेड आएगा, नेड किया जाएगा, नेड अगर हिट होता है तो इबी के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जोन का डैमेज भी काफी बढ़ता हुआ, लेकिन जैसे ही टीआरबी के प्लेयर आगे बढ़ते हैं उनको नॉक किया जाता है, लेकिन ट्रेड नॉक आता है टीम ओजी के ऊपर और इसके साथ ओजी की टीम ऐसे एलिमिनेट। 5 स्क्वाड बाकी रहने वाले हैं, टॉप 5 टीम्स अभी हमारे सामने इस मैच में और के अंदर रहने वाली हैं। 4MV का जो स्क्वाड है आरडी की टीम 2 प्लेयर्स के साथ, टीआरबी के 3 प्लेयर्स मौजूद हैं। 7 बैंडित काफी ज्यादा एग्रेसिव जो खेलते हुए नजर आ रहे थे उन्होंने भी अपने 2 प्लेयर्स को गवा लिया है, अभी 2 ही प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर्कल एक और शिफ्ट ले चुका है और सर्कल अगेन जाएगा टीम
किसी भी टीम को फेवर नहीं करेगा, सारी की सारी टीम्स जो है सर्कल से बाहर है, सभी टीम्स को सर्कल के अंदर जाना है। सीएम का स्क्वाड कहीं ना कहीं बचते बचाते पहुंच जाते हैं सर्कल के अंदर, चारों के चारों प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन अभी फाइट लेनी होगी बिल्कुल दरमियान से सभी टीम्स के गुजरते हुए, और सेवन बैंडेड के प्लेयर्स कुछ खास डैमेज भी नहीं अभी तक दे पाएंगे। इस भी आगे आहिस्ता से अब बढ़ रहे हैं, कुछ स्मोक्स वगैरह क्रिएट करके विर्चुअल कवर बनाने की कोशिश, लेकिन असद बिल्कुल सामने उनके लेटे हुए थे और सरप्राइज किया जाता है सेवन बैंडेड के प्लेयर्स को। टीम एस2ई काफी ज्यादा 8 किल्स 9 किल्स उनके पास भी आ चुके हैं, प्लेयर्स सरवाइव करते हुए। सामने आरडी के प्लेयर्स मौजूद हैं, मैक्सी के ऊपर आरडी की जो है कुछ स्प्रेज जाते हैं और मैक्सी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। टीआरबी के नोबडी फैल्कन के भी जो सामने मौजूद हैं, असद बीसी सारे सिनेरियो में नॉक हो जाएंगे, हर तरफ नॉक से ही नॉक देखने को मिल रहे हैं और फाइट्स ही फाइट्स बनती हुई नजर आ रही है। टोटल 4 ही टीम्स बाकी रहने वाली हैं, चारों प्लेयर्स टीम्स की अगर बात करें तो नोबडी अपनी टीम से सोलो सर्वाइव कर रहे हैं। नेड्स की बरसात इनके ऊपर की जा रही है फैल्कन की जानिब से, और फैल्कन का नेड लास्ट हिट करता है और इनको भी इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अभी 2 टीम 3 टीम्स बाकी रहने वाली हैं, टीम आरडी के 2 प्लेयर्स मौजूद हैं, उसके अलावा MSF2D यहाँ पे H2E के जो टीम मौजूद हैं उनके यहाँ पे 3 प्लेयर 1 प्लेयर जस्ट लास्ट मौजूद रहने वाला है। सीएम की टीम सर्वाइव करके यहाँ आपको टॉप 3 में लेके आ चुके हैं, फिर जिनके भी सर्वाइव करते हुए छोटे डॉन के पास 2 किल्स रहेंगे, 1 किल रेवन के पास रहेगा, लेकिन रेवन ऐसे एलिमिनेट हो चुके हैं। तेज के साथ आगे बढ़ना होगा। मैन एडवांटेज की अगर बात करें तो अच्छा खासा मैन एडवांटेज मौजूद है यहाँ पे अपने लिए, एक अच्छा चिकन डिनर सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन बचना होगा सामने आरडी के प्लेयर्स के क्रॉस एयर डेफिनेटली इनके ऊपर ही रहने वाले हैं। स्लेयर यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश की जा रही है उनके जाने से, लेकिन अभी तक कुछ खास उनको एंगल नहीं मिल रहा। सर्कल चल चुका है, आना है आरडी की टीम, आरडी सर्कल के अंदर मौजूद है, अगर वो यहाँ पे स्पॉट करते तो इनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, लेकिन स्मोक्स का अच्छा खासा यूज करते हुए ये आगे बढ़ जरूर रहे थे, लेकिन फैल्कन की जानिब से स्पॉट कर लिया जाएगा, स्लेयर को नॉकडाउन किया जाएगा, छोटे ड्रोन को भी नॉकडाउन कर दिया जाएगा। मादी लास्ट प्लेयर यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं, मादी लेट्स सी क्या यहाँ पे किल कंफर्म कर पाएंगे, आई थिंक सो यहाँ पे ये नाकाम होंगे, आगे बढ़ते जरूर है लेकिन आरडी के प्लेयर्स की जानिब से उनको किल कंफर्म कर लिया जाता है, और जीजीज टीम आरडी यहां पे अपने लिए लास्ट पे कुछ किल्स सिक्योर करते हुए 2v3 की जो सिचुएशन से निकल चुके हैं, लेकिन नेड्स का सामना करना पड़ रहा है इनको, नेड्स किए जा रहे हैं फैल्कन की जानिब से, फैल्कन के ऊपर 1v2 की सिचुएशन बन चुकी है, फैल्कन इस क्लच को निकालना चाहते हैं। रहमान के ऊपर नेड फेंका जा रहा है, अगर नेड के साथ एक ओपनिंग मिल जाती है तो फैल्कन के लिए काफी ज्यादा आसानियां हो जाएंगी। टीम H2E टोटल 12 किल्स ऑलरेडी ले चुके हैं, और भी किल्स लेने के लिए भूख उनकी बढ़ती हुई आहिस्ता आहिस्ता से फैल्कन के यहाँ पे बैक टू बैक यूटिलिटीज का यूज देखने को मिल रहा है। मॉलीज की जा रही है, स्मोक्स क्रिएट करते हुए कुछ अपने लिए कवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर्कल थोड़ी देर में क्लोज इन करेगा तो डैमेज पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा, लेकिन उससे पहले एक नॉक निकालना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास कामयाबी नहीं मिलेगी। मुजरिम बिल्कुल सामने से जाते हुए स्पॉट कर लिया जाएगा, डैमेज देते हुए फाइनली यहाँ पे स्पॉट करते और नॉक करते हुए हमें नजर आएंगे फैल्कन, और फैल्कन का भी 1v1 बनेगा रहमान के साथ। अभी देखना ये होगा क्या रहमान इस सिचुएशन में अपनी टीम को बचा पाएंगे, अपनी टीम के लिए चिकन निकाल पाएंगे, क्वेश्चन रहेगा ये। और फैल्कन की बात करें तो वो तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले भाई, अभी भी उनके पास 2 नेड्स मौजूद हैं, और फाइनली इनकी मोली हिट करती है और टीम H2E यहाँ पे विनर चिकन डिनर्स की ओर करते हुए जीत। टीम H2E काफी अच्छा इन्होंने खेला, बहुत ही ओपी परफॉर्मेंस इनकी जानिब से देखने को मिली हमें। H2E की अगर बात करें तो टोटल 14 किल्स के साथ चिकन डिनर किया, जिसमें फैल्कन एक ऐसा प्लेयर था जिसने 7 किल्स सोलो निकाले। फैल्कन यहाँ बहुत ही अच्छे इनके जानिब से एक MVP का रोल इनके अदा किया जाता है अपनी टीम में, और आरडी की टीम सेकंड पे रहेगी, थर्ड पे टीम सीएम जाती है, उनके भी वाले हैं, फोर्थ पे होगी टीआरबी का स्क्वाड, 1 किल इनके पास मौजूद। सेवन बैंडिट की टीम भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हमें खेलती हुई नजर आई, लेकिन टॉप 5 तक ही अपने आप को ले बात करें तो 11 किल्स पर रहेगी थी, 7 नंबर डॉक्टर का स्क्वाड रह गए, 9 के ऊपर यूजर ऑफिशियल का स्क्वाड 0 के साथ, और नंबर 10 के ऊपर 4v का स्क्वाड रहेगा 5, और 11 पे VLR की टीम फिर कोई भी किल नहीं निकाल पाती, और 12 के ऊपर डेस्क की टीम, 13 के HK का स्क्वाड 1, 14 के ऊपर LT NB का स्क्वाड रहेगा, SV की साथ और नंबर 16 का डाउट एंड के साथ हमारा पहला मैच यहां पे एंड होता हुआ। तो
थोड़ी देर में वापस आएंगे हमारे अगले मैच में। तो देखते हैं अगले मैच के अंदर कौन सी वो टीम होगी जो अपने चिकन डिनर्स की ओर करेगी, कौन सी वो टीम होगी जो एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल पाएगी। तो थोड़ी ही देर में ये सारे क्वेश्चन हमारे सामने होंगे, तो अभी के लिए नहीं ज़्यादा, थोड़ी देर में वापस आते हैं आपके साथ। Oh,
I get up? Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on Until next time, keep having a blast behind that camera. Cut. Hey everyone, today we have an exciting tutorial for all you photographers. Why I love Envato Elements? I love that I don't have to animate my own texting conversations in After Effects. Cause that's... Welcome back guys, Khush Aamdeed, aap sab ko PUBG Mobile Gator Gamers Pakistan University Showdown mein. Aur match 2, humara thodi der mein humara match start ho jayega. Aur finally, match start hote hue, plain path humare on the screen saamne aata hua. प्लेन पाथ की बात करें तो यहाँ पे रोन से होता हुआ कैंपोंग पे ये प्लेन पाथ एंड होगा और टीम्स ऑलमोस्ट सभी ही अपने अपने ड्रॉप पॉइंट्स पे जाते हुए नजर आएंगे। टीडब्ल्यू की टीम मौजूद रहने वाली है, टीम आरडी
टीम ऑक्सी मौजूद है, उसके अलावा बाकी ALT का स्क्वाड मौजूद रहने वाला है। TRB का स्क्वाड पिछले मैच के अंदर काफ़ी अच्छा इन्होंने भी खेला, 7 बैंडित काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हमें होते हुए नजर आए, वो भी यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं। और देखना ये होगा कि क्या हमें अर्ली कुछ ड्रॉप क्लैशेस देखने को मिलेंगे, क्या कोई टीम ऐसी होगी जो किसी ड्रॉप क्लैश में जाते हुए नजर आएगी, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ी देर में हमें सामने बनता हुआ नजर आएगा। आई थिंक सो 2 से 3 टीम शायद यहाँ पे बूट कैंप में उतरती हुई नजर आ रही है। अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो बन रहा है तो भाई मजा आने वाला है। यहाँ पे 3 टीम्स उतर चुकी हैं और CM की टीम उतरते साथ ही यहाँ पे काफी बड़ा डैमेज लेते हुए CSB की टीम उनके ऊपर अग्रेसिव होते हुए CSB की जानिब से नॉक किया जाता है मादी को, साथ ही साथ किल भी कंफर्म कर दिया जाएगा। TRB की टीम ये सारा सिनेरियो देखते हुए वो थर्ड पार्टी करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, वो यहाँ पे वेट करते हुए जैसे ही उनको कोई यहाँ पे पता चलेगा किसी भी जानिब से कुछ सीन बनता हुआ नजर आएगा तो कुछ करेंगे। लेकिन स्लेयर इसी सारे सिनेरियो में नॉक होते हुए कंफर्म होते हुए छोटा डोन लास्ट बच चुके हैं, वो पीछे बढ़ते हुए पीछे जाते हुए लेकिन उनको बचना होगा, उनको TRB के प्लेयर्स के भी क्रॉसर उनके ऊपर रहने वाले हैं। छोटा डोन देखते हैं कहाँ तक सर्वाइव कर पाते हैं। उनके दूसरे टीममेट अगर रेवन की बात करें तो वो शायद थोड़ा सा दूर उतर चुके हैं, वो भी जहां पे उतरते हैं उनके बिल्कुल सामने डेस्क की टीम उतर चुकी है। डेस्क शेरी सामने मौजूद रहने वाले 1v1 बनता हुआ, शेरी की जानिब से CM रेवन को नॉक किया जाता है और किल कंफर्म कर दिया जाएगा। छोटा टोन आखिरी उम्मीद अपनी टीम की बचते बचाते यहाँ पे अभी तक होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। TRB की टीम की बात करें वो भी आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ रहे हैं, शायद यहाँ पे छोटा टोन का शिकार करते हुए हमें नजर आए क्योंकि छोटा टोन बिल्कुल सामने मौजूद है। कुछ नेट्स वगैरह किए जा रहे हैं इनके ऊपर, डैमेज निकालने की कोशिश तो की जा रही है लेकिन अभी तक कुछ खास कामयाबी देखने को नहीं मिली, तो देखते हैं अभी कब तक यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, कब तक और फाइनली यहाँ पे आगे बढ़ा जाता है और जो लास्ट प्लेयर बचे हुए थे उनको कंफर्म कर दिया जाएगा। दोनों टीम्स अभी एक दूसरे के आमने सामने आती हुई नजर आएंगी, दोनों ही टीम्स के पास 4-4 प्लेयर्स मौजूद रहने वाले हैं। दूसरी साइड पे अगर बात करें पाइनान के अंदर भी 2 टीम्स उतर चुकी हैं, यूजर ऑफिशियल यहाँ पे नाम लेने की देर थी। पहला नॉक भी निकाला जाएगा, फवाद नॉक हो जाते हैं मॉलीज वगैरह करके उनको किल कंफर्म करने की उनकी कोशिश की जा रही है लेकिन हाशमी यहाँ पे बिल्कुल पास मौजूद हैं, उसके अलावा नूब भी मौजूद रहने वाले हैं। कवर फायर में आते हुए टाइम वेस्टेड को नॉक डाउन कर दिया जाएगा, हाशिर वर्सेस हाशमी होता हुआ नजर आ सकता है। नेट करने की कोशिश की जा रही हाशिर की जानिब से, अगर ये नेट क्लिक करता है तो शायद एक और नॉक देखने को मिल सकता है लेकिन कुछ खास जगह पे ऊपर प्लेस नहीं कर पाते नेट को, लेकिन बचना होगा बैक एंड से। टाइम वेस्टेड की बात करें तो वो ब्लीड आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिवाइवल देना होगा। लेकिन इसी सारे सिनेरियो में सामने वाली टीम की बात करें तो डॉक्टर ने एक अच्छी मूव ये दिखाई है कि जो उनके प्लेयर नॉक डाउन थे उनको जल्दी से जल्दी रिवाइवल दे दिया जाएगा। यूजर मेंटल थोड़ा सा भी जो है मेरे ख्याल से पिंच डाउन होती हुई नजर आएगी क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर दोनों साइड से ही बढ़ रहा है। यूजर ऑफिशियल के प्लेयर्स की बात करें तो हाशिर के बिल्कुल सामने यहाँ पे डॉक्टर का पूरा स्क्वाड मौजूद है। हाउ मास्टर MVP की बात करें उनके पास बिल्कुल भी HP मौजूद नहीं है और ना ही वो कुछ हील्स वगैरह लगा रहे हैं, अभी तक कुछ उनको मिला नहीं है लेकिन स्प्रेज देने के लिए क्रॉसर अपने रेडी कर चुके हैं। वो पहले फाइट लेना चाहते हैं, शायद उसके बाद ही हमें कुछ फाइट में आते हुए नजर आए लेकिन इसी सारे सिनेरियो में टाइम वेस्टेड को भी रिवाइवल दे दिया जाएगा। एक अच्छी मूव इनकी जानिब से भी, दोबारा से 4v4 एक प्रॉपर फाइट हमें बनती हुई नजर आएगी। प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ते हुए नजर तो आ रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ खास कामयाबी उनको मिल नहीं रही, अभी तक कुछ खास जो है वो यहाँ पे नॉक से निकालने में कामयाब नहीं हो रहे, तो देखते हैं कि कब तक जो है यहाँ पे होल्ड करते हुए नजर आएंगे, कब तक जो है वेट किया जाएगा सामने वाली टीम को। कोशिश तो होगी इनकी नॉक डाउन करने की, सामने वाले जो प्लेयर्स हैं उनके किल्स को उठाने की, लेकिन
अभी तक कुछ खास जो है उनको हेल्प नहीं मिल रही। फाइनली यहाँ पे एक नॉक निकाला जाएगा और इसी नॉक के साथ यूजर ऑफिशियल आगे बढ़ना चाहती है। बैकेंड से डेस्क भी आते हुए शायद उनकी जाने से भी कुछ थर्ड पार्टी की जाए, लेकिन यूजर ऑफिशियल यहाँ पे हावी हो चुकी है। इसी सारे सिनेरियो में इनको भी एक प्लेयर को गवाना होगा। अपने डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर के एक प्लेयर एलिमिनेट हो चुके हैं, एक डॉक्टर पड़े हुए, उनको रिवाइवल देना होगा। लेकिन मेंटल यहाँ पे आएंगे, उनकी जानब से एग्रेस किया जाता है, काफी ज्यादा अच्छे स्प्रेज दिए जाते हैं। हाशमी की हाथ भी काफी डाउन कर दी जाती है और इसी के साथ यहाँ पे हाशमी को नॉक करते हुए साथ किल भी कन्फर्म कर लिया जाएगा। टीम यूजर ऑफिशियल यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल बनाते हुए टीम डॉक्टर के लिए, उनके जस्ट एक ही प्लेयर बचे हैं लेकिन एक के लिए ही इनके पास रहेगा। डेस वो ऐसे ऐसे से आगे बढ़ रहे हैं, शायद यहाँ पे थर्ड पार्टी करना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी करने के लिए आते हैं तो शायद यूजर ऑफिशियल के लिए भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। यूजर को भी आइडिया हो चुका है, वैकेंट से स्प्रेज भी उन्होंने सुन लिए होंगे और अभी चुकन्ने हो चुके हैं। दो प्लेयर हाशमी की आशिर की जानब से जरूर सिक्योर किए जाते हैं कि, लेकिन वो जो है अपनी जान जो है गंवा बैठते हैं इस सारे सिनेरियो में। लेकिन डेथ की टीम वो अभी तक वेट में बैठे हुए हैं, वो अभी तक वेट करते हुए कि कोई भी प्लेयर यहाँ पे अगर एग्रेस करता है, कोई भी प्लेयर ओपन में आता है तो शायद उनके ऊपर एक नॉक देखने को मिल सकता है। बाकी अगर देखें बाकी टीम्स के बारे में तो जोन के बाहर ही हमें जो है तीन से चार टीम्स डैमेज लेती हुई नजर आ रही हैं। और बाकी जो बूट कैंप के अंदर हमारे पास दो स्क्वाड्स उतरे थे वो भी अपनी पोजीशन के ऊपर मौजूद। सीएसबी कार्बन का स्क्वाड चारों किल्स के साथ, चारों प्लेयर्स के साथ अभी तक मौजूद रहने वाले हैं। टीआरबी की टीम भी यहाँ पे ही मौजूद है, शायद टीआरबी एक कैंप बिठा के बैठे हुए, शायद उनकी जानिब से कुछ एक ऐसी मूव निकाली जाती है, शायद वो यहाँ पे यहाँ पे तीन प्लेयर्स उनके एलिमिनेट हो चुके हैं। दानियाल अकेले प्लेयर मौजूद हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई। अभी देखना ये होगा कि क्या दानियाल एक 1v4 क्लच पुल ऑफ कर पाएंगे। आई थिंक सो ये काफ़ी एक मुश्किल टास्क होगा उनके लिए, लेकिन देखते हैं अभी क्या बनता है नेक्स्ट। अभी जब उनकी फाइट बनेगी तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन टीम ऑक्सीजन जोन के बाहर से होते हुए आस्ते आस्ते से आगे बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। टीम ऑक्सीजन के चारों प्लेयर्स मौजूद हैं, जोन का डैमेज काफ़ी ज़्यादा उनको पड़ रहा है और अभी तक 600 मीटर जो है सर्कल से बाहर हैं। जल्दी से जल्दी सर्कल के अंदर आना होगा। सेवन बैंडित की बात की जाए तो इनके भी चारों प्लेयर्स मौजूद हैं, एक प्लेयर शायद यहाँ पे ऑफलाइन हो चुके हैं। ये तीन ही प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं और तीनों प्लेयर्स की एचपी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। सोरो बॉय यहाँ पे पैदल ही सफर तय करते हुए, लेकिन 300 मीटर पहला सर्कल दूर है। अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट सर्कल बन जाएगा और वो यहाँ पे जाएगा, थोड़ी सी फेवर शायद कर जाता है इनको। थोड़ी देर में जो है नेक्स्ट जोन क्लोज इन करेगा, नेक्स्ट बनेगा तो और ज़्यादा इनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक कुछ खास जो है इनके लिए मसला नहीं होने वाला। ईस्ट एमवीपी अभी भी जो है वो अवेलेबल नहीं है। सेवन बी राफे की बात करें, सेवन ब्रांडेड राफे पिछले मैच के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी जानब से भी निकाली गई थी, अच्छे खासे किल्स इन्होंने सिक्योर कर रखे थे। अभी देखना ही होगा कि इस मैच के अंदर इनकी जानब से किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। टीम एच टू की बात की जाए तो एच टू ये वो टीम थी पिछले मैच के अंदर, इन्होंने अपने लिए चिकन डिनर सिक्योर किया था और अच्छे खासे किल्स के साथ, और जिस बंदे ने एक एमवीपी का रोल प्ले किया था उस प्लेयर को जल्दी गवा दिया जाता है। जस्ट तीन ही प्लेयर्स मौजूद और फैल्कन जो पिछले मैच के एमवीपी रह चुके हैं वो इस मैच से अर्ली एलिमिनेट होते हुए और पूरी की पूरी अभी जो है एएलटी की टीम और एक एडवांटेज में जा चुकी है। 3v4 की फाइट उनकी डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैन एडवांटेज उनको दे के जाएगी। एएलटी के प्लेयर्स कुछ एंगल्स बनाने की कोशिश में लग चुके हैं, कोशिश की जा रही है कि सामने वाले प्लेयर्स के ऊपर एक अच्छा एंगल बनाया जाए। असद वर्सेस असद होता हुआ नजर आ रहा है, H2E असद और ALT यहाँ पे असद मौजूद हैं दोनों ही आमने सामने। मैक्सी की बात करें तो उनके पास भी एक अलग एंगल के ऊपर ये मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन अपने लेफ्ट साइड से थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। हसन उस साइड से शायद अगर क्लोज इन करें तो इनके लिए मुश्किलात बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी तक ये प्लेयर्स अपनी जगह पे होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन सर्कल थोड़ी देर में नेक्स्ट शिफ्ट लेता हुआ सर्कल देखते हैं कि कौन सी टीम्स को फेवर करेगा। पायरान के अंदर तीन से चार टीम्स मौजूद हैं और सर्कल भी पायरान को सेंट्रलाइज करता हुआ, और जो टीम्स पायरान के अंदर मौजूद हैं वो शायद अभी उनको थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा वहाँ पे स्टे करके अपने लिए कुछ और पोजीशन पॉइंट्स अप कर सकते हैं। लाइक मास्टर एमवीपी की बात की जाए तो मास्टर एमवीपी यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी जानिब से जो है यहाँ पे कोशिश की जा रही है, अगर कोई प्लेयर इनके ऊपर ओपन में आता है तो शायद उनको एलिमिनेट करें, लेकिन अभी तक कुछ खास जो है इनके लिए मसला नहीं होने वाला।
के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे जो है यूज़र ऑफिशियल के भी प्लेयर्स मौजूद हैं, वो भी अपनी पोजीशन के ऊपर अच्छा खासा होल्ड बना के बैठे हुए हैं। बैकेंड से टीम H2E भी इसी जानब आती हुई नज़र आ रही है, तो हर तरफ से अभी जो है बच के रहना होगा क्योंकि जोन नेक्स्ट बन चुका है और हर टीम की कोशिश होगी सर्कल के अंदर एक अच्छी पोजिशन ढूंढने की। और VLR की टीम बिल्कुल जो है इसी जानब वो भी आते हुए नज़र आ रहे हैं, गाड़ियां लेके रोटेशन करते हुए आहिस्ता आहिस्ता से सर्कल के अंदर एक अच्छे लिए अपने लिए जो है एक अच्छी पोजीशन उनके जानब से ढूंढ ली जाती है। लेकिन H2E की टीम, उनकी नजरें इनके ऊपर रहने वाली हैं, क्रॉसर जमा चुके हैं स्प्रेज देते हुए, VLR के प्लेयर्स को काफी ज्यादा डैमेज भी दिया जाता है, लेकिन अभी तक गाड़ी से किसी भी प्लेयर को नहीं उतार पाएंगे। और फाइनली यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक करते हैं, लेकिन सामने से भी ट्रेड नॉक आता हुआ असद को नॉक डाउन कर दिया जाएगा। H2E रैक्स यहाँ पे आएंगे अपने प्लेयर को रिवाइवल देने के लिए। ऑन अदर साइड VLR की बात की जाए, सेंसी नूब नॉक डाउन हुए थे उनको रिवाइवल देने के लिए, हक्कर वहां पे मौजूद और उनके जो है वो कुछ डैमेज पड़ता हुआ क्योंकि मैक्सी के पास एक अलग एंगल मौजूद है, अगर उनसे बचते हैं तो दूसरी जानिब से असद की जानिब से डैमेज दिया जा सकता है। और इसी सारे सिनेरियो में दोनों ही दोनों प्लेयर्स नॉक डाउन हो जाएंगे। अभी दानी और रेड एक्स को जल्दी से आना होगा अपने प्लेयर्स को बचाने के लिए, लेकिन मैक्सी का जो एंगल है वो इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर रहा है। मैक्सी एक अलग ही एंगल से जो है इनके लिए मुश्किल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। टोटल दो किल्स जो है मैक्सी की जानिब से स्कोर किए जाएंगे और वेट करते हुए अभी तक अगर VLR की टीम एग्रेस करती है अपने प्लेयर को रिवाइवल देने के लिए जाती है तो शायद मैक्सी के कुछ और भी स्प्रेज यहां पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक VLR के प्लेयर्स इस तरह की कोई भी मूव नहीं करना चाहते। ALT NB का स्क्वाड वो भी आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता से सर्किल के अंदर जाने की कोशिश की जा रही है उनके जानिब से। सर्कल के अंदर आई थिंक सारी ही टीम्स मौजूद हैं, पहुंच चुकी हैं, लेकिन कुछ टीम्स लाइक ऑक्सी की बात कर लें तो वो अभी आहिस्ता से सर्कल के अंदर एंट्रेंस बना रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सामने एक स्क्वाड मौजूद है, शाका यहाँ पे एक अच्छे एंगल के ऊपर मौजूद हैं और उनकी जानिब से सपोर्ट भी किया जाता है। CX के प्लेयर्स को इस मैच से एलिमिनेट किया जाता है, शायद अपनी टीम से लास्ट सोलो प्लेयर था जिसको एलिमिनेट करने के बाद एक किल अपने बैकपैक में डाला जाता है इनकी जानिब से, और चारों के चारों प्लेयर्स अभी दोबारा से अपनी रोटेशन स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन TRB यहाँ पे TBR दानियाल वो आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ रहे हैं। NES का ये स्क्वाड है और अपनी टीम से सोलो प्लेयर सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस सानिब जा रहे हैं ऑक्सी के प्लेयर्स मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन सर्कल के अंदर जाना भी एक बहुत बड़ा जो है इनके लिए टास्क रहेगा। 500 मीटर सर्कल से बाहर है, जोन का डैमेज भी पड़ रहा है और शायद इनके जाते तक एक नेक्स्ट जोन शिफ्ट भी ले जाए और सिक्स दफा शिफ्ट जाएगी पाइनान के जो है ईस्टर्न साइड के ऊपर। सारी की सारी टीम जो ईस्टर्न साइड के ऊपर मौजूद थी लाइक VLR का स्क्वाड, ALT का स्क्वाड, इनके लिए जो है काफी ज्यादा आसानियां हो जाएंगी। KSK की बात कर लें तो ये कुछ जो है ऑफ कलर आज देखने को मिल रहे हैं, ग्रुप स्टेज के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली थी, लेकिन हसन शायद इस चीज को बुरा मना लेते हैं और उनकी जानिब से एक नॉक और साथ ही साथ किल कंफर्म किया जाता है। 8 किल्स इनके पास भी मौजूद हैं लेकिन प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली 3 को गवा चुके हैं, जस्ट एक ही प्लेयर मौजूद है। हसन अभी नेड निकाल चुके हैं, नेड के साथ है, एक नॉक निकालना चाहते हैं, डैमेज दिया जाता है लेकिन TWD के प्लेयर के सामने आते हुए DBS इनके हाथ में है। DBS के शॉट के साथ नॉक निकालना चाहते थे लेकिन 4V की जानिब से थर्ड पार्टी की जाती है और इसी सारे स्नैरियो में TW के एक प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। 4V की टीम अभी आगे बढ़ना चाहेगी, 2 ही प्लेयर्स उनके मौजूद हैं लेकिन बचना होगा क्योंकि एक जानिब से जो है ये इनके KHK के प्लेयर मौजूद हैं और एक जानिब पे ST की टीम मौजूद है, अगर उनको नजर आ जाते हैं ओपन में तो शायद उनके लिए मुश्किलात बढ़ाई जा सकते हैं। लेकिन दानियाल जो अपनी टीम से लास्ट प्लेयर सर्वाइव कर रहे थे उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा टीम ऑक्सी की जानिब से। रजा जहाँ पे रुके हुए थे शायद हसन के क्रॉसर में आ सकते थे लेकिन हसन अभी तक सर्वाइव करते हुए। टोटल 13 टीम्स हमारे पास अभी भी ज्वाइन करते इस मैच में मौजूद रहने वाली हैं और 30 प्लेयर्स अलाइव मौजूद हैं। डेस्टचेरी की बात करें तो ST हाफिज को गाड़ी के नीचे दे के जो है उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। VLR का स्क्वाड 2 ही प्लेयर्स के साथ ये डुओ अभी तक सर्वाइव करता हुआ नजर आ रहा है। VLR की टीम वो भी पाइनान के अंदर मौजूद है, अच्छा खासा जो है होल्ड उनका भी मौजूद रहने वाला है इस जगह के ऊपर। और टीम डॉक्टर की बात कर लें तो इनके भी लास्ट प्लेयर वो अभी तक सर्वाइव करते कराते अपनी टीम को जो है 2-3 पोजीशन पॉइंट जो है अप लेके आ चुके हैं और
ऑक्सी की टीम वो भी पायनान के अंदर एंट्री बना चुकी है। ऑक्सी के दो ही प्लेयर्स मौजूद रहेंगे, दो प्लेयर्स को रोटेशन के दौरान गंवा दिया जाता है और दो प्लेयर्स के साथ अभी आहिस्ता से आगे बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे। एएलटी एनबी के स्क्वाड चार प्लेयर्स इनके भी मौजूद सामने डेस्क की टीम जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सिंपल के क्रॉस हेयर शायद उन्हीं की जानेब रहने वाले हैं। सिंपल, हसन, असद, मेमो, चारों के चारों प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन 4V अली सेवन बैंडिट के साथ फाइट लेते हुए 4V की टीम का ये जो डुओ है ये काफी अच्छी तरह से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। प्लेयर्स दो प्लेयर्स होने के बावजूद यहाँ पे बैक टू बैक किल्स स्कोर करते हुए नजर आ रहे हैं। तीन किल्स ऑलरेडी इनके पास आ चुके हैं और अभी शायद इनका नेक्स्ट टारगेट हसन रहने वाले हैं जो बिल्कुल साथ इनके मौजूद हैं कंपाउंड्स में। तो देखते हैं अभी क्या हसन को भी इलिमिनेट कर पाएंगे। H2E की टीम वो भी जो है काफी ज्यादा डैमेज ले रहे हैं, उनके एक प्लेयर को रेक्स को नॉकडाउन कर दिया जाएगा। मैक्सी काफी कम एचपी के ऊपर जा चुके हैं और रेक्स का किल कंफर्म भी कर लिया जाएगा। H2E को अभी सर्कल के अंदर जाना है, सर्कल यहाँ पे दूर जा चुका है और फाइनली यहाँ पे रोटेशन स्टार्ट कर ली जाएगी, लेकिन रोटेशन काफी ज्यादा मुश्किल बनाई जा रही है। असद को नॉकडाउन कर दिया जाएगा। मैक्सी अपनी टीम से अभी लास्ट प्लेयर सर्वाइव करते हुए सामने यहाँ पे पूरी की पूरी एक लाइनअप रहने वाली है। उनके साथ फाइट्स लेने में अभी तक कुछ कामयाबी नहीं दे पाएंगे, लेकिन जोन के बाहर डैमेज इतना है कि हील किट लगाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है और शायद यहाँ पे जोन के डैमेज से ही जोन से बाहर ही इलिमिनेट हो जाएंगे। टीम H2E भी इसमें ऐसे जाते हुए और जोन का डैमेज इतना ज्यादा बढ़ रहा है, किसी भी प्लेयर को अलाउ नहीं किया जा रहा जोन के बाहर सर्वाइव करने का। और डॉक्टर के प्लेयर्स की बात करें तो वो भी आहिस्ता से आगे बढ़ते हुए उनके पास भी हील किट्स मौजूद नहीं है। अभी जल्दी से जल्दी सर्कल के अंदर एंट्रेंस लेनी होगी। टच के प्लेयर्स बिल्कुल सामने मौजूद हैं, शायद यहाँ पे उनकी जानिब से अगर सपोर्ट कर लिया जाता है तो इनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक बचते बचाते अपने आप को इस पोजिशन तक लेके आ चुके हैं। टॉप सिक्स टीम्स यहाँ पे मौजूद रहने वाली हैं और जिसमें टीम डेस मौजूद रहने वाली है, ALT NB का स्क्वाड मौजूद रहेगा। इनके चारों के चारों प्लेयर्स हमें सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मैच के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी जानिब से निकाली जा रही है, लेकिन 4V के स्क्वाड की अगर बात करें तो वो एक ही प्लेयर रहेगा, अभी एक प्लेयर को गंवा दिया जाएगा। और डॉक्टर के प्लेयर लास्ट प्लेयर अपनी टीम से मौजूद है, वेंजेंस को नॉक किया जाता है और किल भी कंफर्म कर लिया जाएगा। जाते जाते अपनी टीम के लिए कुछ और किल पॉइंट्स सिक्योर करना चाहते हैं, टॉप सिक्स में आ चुके हैं तो पोजीशन पॉइंट्स भी पहले से कुछ ज्यादा इनको मिल जाएंगे। लेकिन 4V रजा बिल्कुल ओपन के अंदर मौजूद है, उनके बिल्कुल सामने से प्लेयर्स रोटेशन करते हुए VLR के प्लेयर्स वो आगे बढ़ते हुए गाड़ी लेकिन रेड ऑक्स को बचना होगा हमजा से क्रॉस हेयर से, क्योंकि हमजा के पास एक अच्छा एंगल मौजूद है, अगर उनको स्पॉट करते हैं तो इलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास स्प्रेज नहीं दिए जाएंगे। दानी दूसरी साइड पे नॉक होते हुए, थर्ड पार्टीज भी यहां पे की जा रही हैं, लेकिन दानी को कवर फायर देने के लिए उनके बैक एंड पे प्लेयर मौजूद थे। रेड एक्स उनकी जानिब से नॉक किया जाता है, लेकिन ALT की टीम इसी सारे स्नैरियो का फायदा उठाते हुए एक और किल अपने बैकपैक में डालेंगे। टोटल 8 किल्स इनके पास आ चुके हैं और सामने जस्ट अभी दो ही प्लेयर्स मौजूद रहने वाले हैं। 2v4 की सिचुएशन बनती हुई, टीम डेस यहां पे 6 किल्स निकाल चुके हैं और सामने दो किल्स और मौजूद हैं, 4 किल्स मौजूद हैं। अगर 2v4 की सिचुएशन में फाइट विन करते हैं तो डेफिनेटली अपने लिए 4 किल पॉइंट्स के साथ साथ पोजीशन पॉइंट्स का भी एक अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इस सिचुएशन से किस तरह से डील कर पाते हैं, क्योंकि सर्कल से बाहर हैं टीम ALT, उनको सर्कल का भी एडवांटेज रहने वाला है, लेकिन टीम डेस्क को सर्कल के अंदर भी बढ़ना होगा। हसन हुसैन जिस जगह पे मौजूद हैं उनके बिल्कुल पास यहाँ पे हसन भी एक पत्थर का कवर लेके बैठे हुए हैं, अगर हसन इनको सपोर्ट करते हैं तो शायद इनके लिए मुश्किलात बढ़ा ही जा सकती हैं, लेकिन हसन को यहाँ पे अच्छे कवर फायर में लेके आया जाता है। हुसैन की जानिब से नॉक किया जाएगा, लेकिन सिंपल यहाँ पे ट्रेड नॉक निकालते हुए हुसैन लास्ट प्लेयर सर्वाइव करते हुए DBS का एक शॉट जाएगा और उसी के साथ यहाँ पे चिकन डिनर जाएगा टीम यहाँ पे ALT NB के स्क्वाड के पास। तो जीत यहाँ पे 10 किल्स के साथ अपने लिए चिकन डिनर स्क्योर करते हुए काफी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी जानिब से निकाली जाएगी। और इसी के साथ मेमो की बात करें तो अपने टीम से MVP का रोल प्ले करते हुए उनकी जानिब से 4 किल्स निकाले जाते हैं। नंबर सेकंड के ऊपर टीम डेस्ट रहेगी, इनके पास अभी 6 किल्स रहने वाले हैं। शेरी के पास 4 किल्स मौजूद हैं, एक हुसनैन के पास रहेगा, एक नाइट OP के पास रहेगा। 6 किल्स के साथ डेस भी टॉप 2 के अंदर पहुंच जाती है। नंबर थर्ड के ऊपर VLR की टीम रहती है, इनके पास भी जो है 4 किल्स मौजूद हैं। नंबर फोर के ऊपर 4V की रहेगी, 4 किल्स इनके पास भी मौजूद। नंबर 5 के ऊपर CSV कार्बन की टीम रहेगी, 7 किल्स इनके पास भी मौजूद रहने वाले हैं। 6 टीम डॉक्टर, 3 किल्स इनके पास भी रहेंगे। मास्टर MVP की जानिब से एक अच्छी जो है सर्वाइविंग स्किल निकाली जाती है और इसी के नतीजे में अपनी टीम को
टॉप सिक्स में लेके आते हैं और साथ ही साथ दो किल पॉइंट्स भी। नंबर सेवन के ऊपर टीपीआर का स्क्वाड रहेगा, पास चार किल्स, एट यूजर ऑफिशियल, तीन किल के साथ नंबर। पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस डाली लेकिन पाएंगे नंबर। एसके का स्क्वाड रहेगा नंबर 13 टी साथ। हमारा दूसरा मैच भी यहां पे एंड होता हुआ, थोड़ी देर में वापस आएंगे हमारे अगले मैच में। तो देखते हैं अभी अगले मैच के अंदर कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। कहीं मत जाइएगा, अगर आप स्ट्रीम देख रहे हैं तो स्ट्रीम को लाइक लाजमी से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, विल बी राइट। And we'll grow in number, fueled by thunder, see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because you can make.
the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. Play.
वेलकम बैक एंड खुश आमदीद आप सबको PUBG मोबाइल के टू गेमर्स पाकिस्तान इस शो डाउन में और ग्रुप स्टेजेस के थर्ड मैच यहां पे स्टार्ट होता हुआ ग्रुप ए के मैचेस जो है होते करा रहे हैं जिस मौजूद हैं कुछ जाने पहचाने नाम है और कुछ इमर्जिंग टैलेंट है पाकिस्तान आएंगे लेकिन थोड़ी देर में जो है मैच स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं अभी इस मैच के अंदर कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म पिछले मैचेस की अगर बात कर लें तो टीम पहले मैच के अंदर टीम एस2ई ने अच्छा खासा पंडित के जाने पहले मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाली गई और दूसरे मैच के में कुछ खास परफॉर्मेंस अभी देखते हैं कि इस मैच के अंदर क्या एक कम बैक मैच उनका हो सकता है निकल सकते हैं और तो एक कम बैक वाली निकल आते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी होगी और जो है आपको टॉप इसमें सबसे बड़ा जो टारगेट रहने वाला है टीम्स का वो टॉप 8 के अंदर आपको ले टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई करेंगी होगी कि हम टॉप 8 के अंदर अपने आप को बना पाएं क्योंकि अच्छा खासा प्राइस पूल एक वाला है 10 लाख का टोटल प्राइस पूल है जिसके अंदर टीम्स चाहेंगी कि हम अच्छा खासा इसका एक अच्छा चंक लेके जाएं फाइनल्स में क्वालिफाई करें और उसके अलावा जो ग्रैंड फाइनल्स हैं वो लैन होंगे तो सभी टीम की कोशिश होगी हम लैन के लिए भी क्वालिफाई करें और उसके अलावा इस प्राइस इसका जो है टूर्नामेंट का प्राइस पूल भी लेके जाएं। लेकिन इसी सारे स्नैरियो में यहाँ पे मैच स्टार्ट होता हुआ और प्लेन पाथ हमारे सामने स्क्रीन आता हुआ प्लेन पाथ जाएगा हमारा लॉस लियोनस से होता हुआ एलाजार की साइड पे एंड करेगा और टीम्स सभी ज्वाइन कर चुकी हैं। सभी टीम्स की कोशिश होगी इस मैच के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाली जाए। तीसरा मैच है यहाँ पे मीरामार का मैच है। मीरामार के अंदर काफ़ी टीम्स होंगी जिनके मीरामार का मैच स्ट्रॉन्ग होगा तो वो इस मैच के अंदर एक अच्छा कमबैक निकाल के अपने आप के लिए टॉप 8 के अंदर जगह बनाने में जो है आसानी पैदा कर सकते हैं। टीम्स अपने अपने ड्रॉप पॉइंट्स पर उतरते हुए नजर आ रही हैं। लाइक एस2ई की बात करें उनके जानब से उतरा जाता है शायद मीनास दलवेलिक वाली साइड पे जा रहे हैं या मीनास दलसुई की साइड पे उतरते हुए नजर आ रही है। आरडी की टीम भी उतर चुकी है और वो चुमास एरिया वाली साइड पे जाते हुए नजर आ रहे हैं और टीम्स सभी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता उतरते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस मैच के अंदर हमें कोई ड्रॉ क्लैश देखने को मिलेगा, क्या कुछ ऐसी फाइट्स बनते हुए हमें अर्ली स्टेज के ऊपर दिखेंगी क्योंकि एक स्लो पेस मैप रहता है। अगर मीरामार की बात करें तो एक स्लो पेस मैप होता है जिसमें कुछ खास हमें अर्ली स्टेजेस में फाइट्स देखने को नहीं मिलती। लेकिन सर्कल यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक शिफ्ट लेगा लॉस लियोनस को सेंट्रलाइज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन उन टीम्स के लिए जिनके ड्रॉ पॉइंट्स थोड़ा सा दूर हैं लाइक वाटर ट्रीटमेंट एल्पोजो मोंटोनियोवो और लेकोब्रेडिया इस जानब जो टीम्स जाती हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी तक के लिए टीम्स यहाँ पे उतरते हुए अपने लिए व्हीकल्स लेके जाना चाहते हैं लेकिन उससे पहले यहाँ पे फाइट्स बनती हुई नजर आएंगे। ड्रॉप क्लैशेस यहाँ पे बनेंगे, ड्रॉप क्लैशेस तो नहीं कह सकते, शायद व्हीकल्स लेने के लिए टीम एक दूसरे के आसपास उतरते हुए नजर आ रही है। केएसके हसन यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक करने के बाद दूसरे प्लेयर को भी यहाँ पे डैमेज देना चाहते हैं। उस्मान के ऊपर यहाँ पे क्रोसर जमा चुके हैं, इनके टीम मेट इनका साथ देते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। केएसके ये किल्स नहीं जाने देने चाहती, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा जा रहा है, हसन के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरी जाने पे एएलटी की टीम की बात करें तो भी फाइट में आते हुए आरडी के साथ आरडी के प्लेयर्स को नॉक किया जा रहा है और इसी सारे स्नैरियो में केएचके अर्ली स्टेज के ऊपर 2 kills अपने लिए सिक्योर कर लेते हैं। टीबीआर यहाँ पे 2 players को गवा देते हैं और जस्ट 2 players के साथ अभी उनको सर्वाइव करना होगा। एएलटी की टीम की बात करें सिंपल काफी कम एचपी के ऊपर मौजूद है लेकिन व्हीकल लेके जो है इनके टीम मेट्स वो भी निकल आ चुके हैं, वो भी जो अपने टीममेट्स के साथ रीग्रुप करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम की टीम की बात करें वो भी बिल्कुल पास मौजूद रहने वाले हैं। स्लेयर की जानिब से हसन को नॉक किया जाएगा, किल कंफर्म करने की कोशिश लेकिन बचना होगा, अगर कुछ ज्यादा पीक देंगे तो शायद केएचके के प्लेयर्स इनके लिए मुश्किलात बढ़ा सकते हैं। लेकिन छोटू वो यहाँ पे अपना एक किल जो नॉक प्लेयर था उनको कंफर्म करते हुए 4v की टीम की बात करें वो भी बिल्कुल पास ही मौजूद रहने वाले हैं। रेमन और
स्लेयर यहाँ पे स्लेयर अभी भी कोशिश कर रहे हैं सामने टीम के ऊपर कुछ डैमेज निकालने के, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाते। छोटा डॉन वो भी लूट में बिजी है। सीएम मादी की बात कर लें, वो भी कुछ रोटेशन डालते हुए आहिस्ता से आगे बढ़ रहे हैं और शायद केएचके को यहाँ पे सैंडविच करने की कोशिश की जा रही है। मादी दूसरी जानब से आ जाएंगे, अगर मादी यहाँ से कुछ खास नॉक्स निकालते हैं तो शायद सीएम के लिए यहाँ पे आसानियाँ हो जाएंगी। नेक्स्ट किल्स जो है वो अच्छे खासे इस फाइट से निकाल सकते हैं। लेकिन पिकार्डो की साइड पे यहाँ पे तीन स्क्वाड्स उतर चुके हैं, तीन स्क्वाड्स आमने सामने आते हुए। सीएसबी की टीम मौजूद रहेगी और उनके सामने यहाँ पे डेस्की भी टीम मौजूद है, टीडब्ल्यू की भी स्क्वाड यहाँ पे मौजूद है। तो तीन टीम्स इस ड्रॉप क्लैश के ऊपर उतरी हैं, तीनों टीम्स की फाइट बनती हुई। लेकिन मादी यहाँ पे टीबीआर के एक प्लेयर को नॉक डाउन करते हुए, मादी की जानिब से पहला नॉक निकाला जाता है। लेकिन एएलटी का स्क्वाड वो भी मुश्किलात में आते हुए, उनके भी प्लेयर्स बैक टू बैक नॉक किए जा रहे हैं और साथ ही साथ किल्स कंफर्मेशन भी की जा रही है। जस्ट दो ही प्लेयर्स बाकी रहने वाले हैं, असद और हसन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हुई अपनी टीम की, दोनों ही प्लेयर्स बचेंगे, बाकी के दोनों प्लेयर्स को इलिमिनेट कर दिया जाएगा। अभी देखते हैं कि ये दोनों प्लेयर्स किस तरह से खेलते हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस इनकी जानिब से निकल के आती है। किलफील्ड के अंदर फोरवी की बात करें तो ये भी कुछ खास यहाँ पे फाइट्स वगैरह निकालते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अली और रजा दोनों ही एक एक किल स्क्योर कर चुके हैं और रजा की बात करें तो काफी कम एचपी के ऊपर मौजूद है। आरडी के साथ इनकी फाइट बनती हुई, आरडी के दो प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जा चुका है और दाऊद भी अभी नॉक डाउन पड़े हुए और शायद उनका भी किल कंफर्म कर लिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे अली की जानिब से उनका भी किल कंफर्म कर लिया जाएगा। रहमान अपनी टीम से लास्ट प्लेयर सर्वाइव करते हुए, जोन का जो एक बनना था, ये प्लेन पाथ की जो रोटेशन थी ना यहाँ पे, वो काफी ज्यादा मुश्किल में डाल जाती है काफी टीम्स को जिन्होंने दूर जाना था, उनके लिए मुश्किल काफी बढ़ जाती है। लेकिन सी एस बी कार्बन, टीम डिस्ट्रॉयर और टीम टी डब्ल्यू, यहाँ पे टी डब्ल्यू डी, तीनों की तीनों टीम्स अभी तक इस फाइट में जूझती हुई नजर आ रही हैं। सर्कल शायद इनसे दूर है, आई थिंक सर्कल कैच के ऊपर मौजूद है तो कुछ खास मसला नहीं होने वाला अभी तक के लिए, लेकिन जब यहां से निकलना होगा तो तब जो है इनके लिए मुश्किलात काफी बढ़ सकती हैं। डेस्क के प्लेयर्स के ऊपर नजर दौड़ाएं तो वो बिल्कुल जो है दरमियान वाले बिल्डिंग में मौजूद है, एक साइड से टी डब्ल्यू के प्लेयर्स उनको डैमेज देने के लिए रेडी बैठे हैं और दूसरी जानब जो है सी एस बी का स्क्वाड यहाँ पे मौजूद रहने वाला है। लेकिन हसनैन आहिस्ता से आगे बढ़ रहे हैं, लूट वगैरह यहाँ पे करने की कोशिश, लेकिन छोटा डॉन, सीएम छोटा डॉन जो है वो नॉक डाउन हो जाएंगे। केएचके की टीम इस मैच में काफी ज्यादा जो है वो स्टार्टिंग में ही एग्रेसिव होते हुए नजर आ रही है, उनकी कोशिश है कि अपने लिए अच्छे खासे किल्स लेके जाए इस मैच से। लेकिन हसन भी नॉक डाउन हो जाएंगे, उनको रिवाइवल देना होगा, शायद यहाँ पे रिवाइवल दे भी दिया जाए क्योंकि दो टीममेट्स उनके बिल्कुल पास मौजूद हैं, कुछ स्मोक्स वगैरह किए जा रहे हैं और स्मोक्स के कवर में अपने प्लेयर्स को रिवाइवल आसानी से दिया जा सकता है। लेकिन रेवन वो भी नॉकडाउन हो चुके हैं, स्लेयर अपनी टीम से लास्ट प्लेयर सर्वाइव करते हुए, काफी ज्यादा टीम्स जो हैं अर्ली स्टेजेस के ऊपर अपने प्लेयर्स को गवाते हुए नजर आ रहे हैं। लाइक अगर स्लेयर की बात कर लें तो स्लेयर यहाँ पे काफी जो है ना कम एचपी के ऊपर जा चुके हैं। एचके के बात करें तो उन्होंने जो नॉक प्लेयर था उनके किल को भी कंफर्म कर लिया जाएगा, टोटल छः किल्स अर्ली स्टेजेस के ऊपर जा चुके हैं। 15 टीम्स इस लॉबी में भी मौजूद रहेंगी, 51 प्लेयर्स मौजूद रहने वाले हैं। केएचके के प्लेयर्स अगर इस मैच के चिकन डिनर की जानिब जाते हैं तो शायद एक अच्छे खासे किल काउंट के साथ चिकन डिनर सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन टीडब्ल्यूडी अभी भी इनिंग कंपाउंड्स के अंदर मौजूद, बिल्कुल सामने डिस्ट्रॉयड और सीएसबी का स्क्वाड मौजूद है, तो शायद ये फाइट अभी तक तो इतनी ज़्यादा जो है वो पॉसिबिलिटीज इनकी नहीं है इस फाइट को चलने की, क्योंकि जोन इनके ऊपर है, कुछ खास जो है इनके लिए मसला नहीं रहने वाला। लेकिन जब जोन यहाँ से निकलेगा तो तब इनके लिए मुश्किल बढ़ जाएंगी। टीम डॉक्टर की बात करें तो वो यहाँ पे जोन के अंदर रोटेट आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। मास्टर एमवीपी काफी पीछे मौजूद हैं, बाकी के प्लेयर्स व्हीकल लेके पहले ही निकल चुके हैं जोन के अंदर। काफी ज्यादा टीम्स ऑलरेडी अपने लिए एक अच्छी खासी पोजीशन होल्ड कर चुकी हैं। लाइक एच2ई की बात कर लें तो जोन के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे मौजूद है, मैक्सी मौजूद रहने वाले हैं, फेलकन मौजूद है, रेक्स असद मौजूद हैं और चारों के चारों प्लेयर्स लॉस लियोनेस से लूट करने के बाद आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे किसी हिल के ऊपर होल्ड करना चाहेंगे अभी के लिए और उनके भी साथ ही यहाँ पे यूजर ऑफिशियल की भी टीम उतरी थी हमें लॉस लियोनेस के जो है स्टॉप के ऊपर और उनकी जानिब से भी लूट वगैरह कंप्लीट कर ली जाती है, शायद वो भी यहाँ से निकलना चाहते हैं।
अभी तक सर्कल के कुछ डिसाइसिव मूव नहीं देखने को मिली। जब सर्कल शिफ्ट लेगा तो शायद हमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं कि ये प्लेयर्स किस जानिब जाने वाले हैं, किस तरफ जो है ये प्लेयर्स हमें जाते हुए नजर आएंगे। टेस्ट शेयर यहाँ पे फाइनली एक नॉक निकाला जाता है, जो फाइट काफ़ी देर से हमें रुकी हुई नज़र आ रही थी, अभी उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाता है TWD के एक प्लेयर को नॉक करते हुए टीम टेस्ट के प्लेयर्स, लेकिन अच्छा खासा कवर मौजूद था उनके पास तो रिवाइवल दे दिया जाएगा। हाफिज रिवाइव होने के बाद यहाँ पे कुछ बैंडेजेस लगाते हुए, ये काफ़ी मुश्किल रहेगी टीम टेस्ट के लिए एथलीट चेजिस के ऊपर जिस कंपाउंड के अंदर मौजूद है, वहाँ पर कुछ खास हील्स भी इनके पास मौजूद नहीं रहने वाली, बैंडेजेस से ही गुजारा करना पड़ेगा। दूसरी जानब CSB के ऊपर भी नज़र दौड़ाते हैं, क्या उनके पास कुछ खास लूट मौजूद है? आई थिंक सो, कुछ खास हील्स में उनके पास मौजूद नहीं रहने वाला। एक प्लेयर के पास 4 मेड किट्स हैं, एक के पास 2 मौजूद हैं और एक के पास कोई भी मेड किट मौजूद नहीं है। सेम इसी तरह से शेरा के पास भी कोई भी मेड किट भी मौजूद नहीं रहने वाली और ना ही कुछ खास नेट्स और बाकी चीज़ें मौजूद हैं। हम हाफिज थोड़ा सा ओपन आते हुए शेरा के क्रॉस एयर में, लेकिन दोबारा से नीचे चले जाएंगे, दोबारा छत से ऊपर आते हुए, लेकिन ये काफ़ी बड़ी गलती इनकी जान से की जाती है। साथ ही साथ किल कंफर्म कर लिया जाएगा। हाफिज पहले प्लेयर होंगे इस तीनों टीम में से जो इस लोबी से छोड़ के जाएंगे हमें, और TWD पैंथर की बात करें तो वो शायद सपोर्ट कर चुके हैं शेरा को, उनके ऊपर इनकी नजरें रहने वाली हैं। शायद यहाँ पे मिनी टैप शॉट्स के साथ कुछ नॉक्स इनकी जानिब से देखने को मिले, लेकिन अभी तक जो है कुछ इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा। वेंजेंस वॉइसा से आगे बढ़ रहे हैं, शायद यहाँ पे क्लोज इन करना चाहते हैं टीम डिस्ट्रॉयर की। अगर बात करें तो अगर TWD के ऊपर एग्रेस करते हैं तो फाइट के अंदर शायद एक फाइट निकाल सकते हैं, लेकिन पहले जाया जाता है शायद जो है आहिस्ता से वेंजेंस जा रहे हैं। शायद उनको जो है गलती लगी कि यहाँ पे कोई प्लेयर मौजूद है, स्प्रेज देने की कोशिश की जाती है इनके जानिब से, लेकिन वहाँ पे कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं था। शहरी की अगर बात करें तो वो भी बिल्कुल साथ ही साथ इनके मौजूद ज़रूर हैं, शायद वो पीछे रुक चुके हैं कवर फायर देने के लिए, लेकिन TWD की जो है यहाँ पे गोस्ट मौजूद है अपने ही प्लेयर का क्रेट लूटते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन CSB की जानब से एक अच्छी मूव, यहाँ पे व्हीकल लेके निकलना चाहते हैं, एक अच्छी मूव इनकी जानब से, यहाँ से अगर निकल जाते हैं तो उनके लिए फ़ायदा होगा इस बारी फाइट में। जितना ज़्यादा डिले करेंगे अपने आप को रोकेंगे डैमेज देने की कोशिश, लेकिन जाते जाते यहाँ पे एक प्लेयर को गवा दिया जाएगा। टेस्ट की जानिब से उतार दिया जाता है व्हीकल से, और व्हीकल बिल्कुल ओपन के अंदर रुक जाती है और इन प्लेयर्स के लिए मुश्किलात भी बढ़ जाती हैं। हमजा और शेरा यहाँ पे मौजूद, शेरा की HP काफी ज्यादा कम मौजूद है। बैकेंड से 7 बैंडेज आती हुई, 7 बैंडेज बिल्कुल कैरी के साथ आती है, एक प्लेयर को नॉक किया जाता है, दूसरे को, तीसरे को, और उसी के साथ यहाँ पे CSB की टीम काफी बड़ी मुश्किल में जाती है। चारों के चारों प्लेयर्स यहाँ पे देखते ही देखते इलिमिनेट हो जाएंगे। 7 बैंडेज के 2 प्लेयर्स ये सारे किल्स उठाते हुए हमें नजर आएंगे, 4 किल्स के साथ 7 बैंडेज दोबारा से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन CSB की जो टीम जो थी, उनका जो यहाँ से रोटेशन थी वो उनके लिए जो है मौत का सबब बनती हुई नजर आती है, और रास्ते में ही हमें इलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे टीम डिस्ट्रॉयर। चारों प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की जा रही। TW के प्लेयर्स बिल्कुल पास मौजूद हैं, तो शायद पहले TW के साथ फाइट लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। गोस्ट नीचे वाले फ्लोर के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन बच के रहना होगा। इनके दूसरे टीममेट पैंथर वो बिल्कुल टॉप फ्लोर के ऊपर मौजूद है, शायद अपने टीममेट को उनकी जानिब से कुछ खास कवर फायर भी नहीं दिया जा सकता अगर उनके ऊपर एग्रेस आता है तो। लेकिन पैंथर यहाँ पे मिनी के टैप शॉट्स देना चाहते हैं 7 बैंडिट के प्लेयर्स को, जो लूट करने के लिए आए हैं। उनके ऊपर अपने क्रॉसर जमा चुके हैं, हीस्ट MVP हैं, उनको सपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास यहाँ पे डैमेज देना नहीं चाहते। ऑन द अदर साइड अगर जोन की बात करें, जोन अगेन एक छोटी सी शिफ्ट लेगा और अगेन जो है पाला और लॉस लोनेस वाली साइड पे जाता हुआ सारा का सारा सर्कल, ALT की टीम वो भी सर्कल के अंदर रोटेशन स्टार्ट कर चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ते हुए 2 ही प्लेयर्स बाकी रहने वाले हैं, 2 प्लेयर्स को अर्ली स्टेज के ऊपर गवा दिया जा रहा है इनकी जानिब से। और बाकी अगर बात कर लें टीम H2E की, वो जोन के बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर मौजूद है, एक अच्छा हाइट एडवांटेज उनके ऊपर मौजूद, लेकिन शेरी यहाँ पे ओपनिंग नॉक निकालते हुए TW के ऊपर जाना चाहते हैं, और शायद यहाँ पे TW के लिए मुश्किलात बढ़ा दी जाएं। शेरी
नॉक निकालने के बाद जो चारों प्लेयर्स यहाँ पे रीयूनाइट होते हुए आहिस्ता ऐसे से ऊपर जाते हुए और स्नैन गेट फायर में आके नॉक हो जाएंगे। स्नैन को रिवाइवल देना होगा। उससे पहले अगर बात करें पैंथर की, उनके पास यहाँ पे शॉटगन मौजूद है। एस12 के नॉक देते हुए एक और प्लेयर को नॉक किया जाएगा। क्या कर रहा है प्लेयर, लेकिन ट्रेड नॉक्स में ट्रेड फायर में खुद भी नॉक हो जाएंगे और इसी के साथ TW की टीम का भी सफर 14वें नंबर पे एंड हो जाएगा। और सेवन बैंडित, उन्होंने ये फायर सुन लिए होंगे, वो शायद यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वेट किया जा रहा है डेस्क के प्लेयर्स का, वेट किया जा रहा है, उनको यहाँ से एलिमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन सर्कल चल चुका है, सर्कल का भी डैमेज पड़ेगा, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लूट वगैरह करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्नैन के पास अभी कुछ खास HP मौजूद नहीं है, तो जल्दी से जल्दी कुछ बैंडेजेस या हेल्थ किट लगा के अपनी हील जो कर लेनी चाहिए। लेकिन मेड किट ली जाएगी अपने टीममेट के पास से। और सेवन बैंडेज की टीम, वो भी बिल्कुल पास मौजूद, अभी भी उनके क्रॉस है। ज़ोरो बॉय की बात करें तो वो अभी भी उसी जगह पे रुके हुए हैं, ये किल्स उठाना चाहते हैं। शायद सेवन बैंडेज इन किल्स को उठाए बगैर यहाँ से नहीं निकलना चाहती। डेस्क के तीनों प्लेयर्स अभी शायद यहाँ से निकलेंगे, जब निकलेंगे तो उनको सरप्राइज देने के लिए सेवन बैंडेज की टीम यहाँ पे मौजूद रहने वाली है। गाड़ी कोई भी पास मौजूद नहीं है, तो शायद पैदल ही जा जाए, लेकिन एक स्कूटर मिल जाएगा इनको, इन प्लेयर्स में आसानी से बैठ के यहाँ से निकल सकते हैं। और सर्कल अगेन एक और शिफ्ट लेगा और सर्कल जाएगा ईस्टर्न साइड के ऊपर के, और सर्कल के अंदर देखें तो बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर SUE की टीम मौजूद है। टीम उसी भी सर्कल के अंदर एक अच्छे पॉइंट के ऊपर मौजूद रहने वाली है। टीम डॉक्टर की बात करें तो वो भी जोन के अंदर एक अच्छे पॉइंट के ऊपर मौजूद। आरडी रहमान अपनी टीम को सोलो सर्वाइव करते हुए आहिस्ता ऐसे से वो भी आगे बढ़ते हुए सर्कल के बिल्कुल टच के ऊपर पहुँच जाएंगे। थोड़ी देर में सर्कल के अंदर एंट्रेंस भी लेते हुए हमें नजर आएंगे, लेकिन सेवन बैंडेड यहाँ पे अपना जो है टारगेट सेट किया हुआ था उसके ऊपर पहला नॉक निकाला जाता है। रिवाइवल देने के लिए वेंजेंस आगे जाते हुए, लेकिन ट्रेड फायर में आते हैं, उनको नॉक कर दिया जाएगा। लेकिन हीट MVP यहाँ पे थोड़ी सी जो है उनकी जानब से भी मूव निकाली जाती है, एक फ्लैंक एंगल से जाके वेंजेंस को नॉक डाउन कर दिया जाएगा। डेस्ट नाइट OP अकेले प्लेयर सर्वाइव करते हुए, अकेले प्लेयर यहाँ पे अपने प्लेयर्स को रिवाइवल देने के लिए जो है वन बाय वन सभी को बचाने की कोशिश में लग चुके हैं। उसनैन यहाँ पे जैसे ही नॉक होते हैं उनको रिवाइवल मिल जाता है, दोबारा से हील लगाने की जो है कोशिश में लग चुके हैं। वेंजेंस जोन से बाहर जोन का डैमेज लेते हुए ब्लीड आउट होते हुए नजर आ रहे, लेकिन नाइट OP पहुंच जाएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि क्या सेवन पेंडित की टीम अब यहाँ से जाएगी या अभी भी इन्हीं का वेट करते हुए नजर आएंगे। ज़ोरो बॉय उनको रिवाइवल अभी तक यहाँ पे फाइनली दे दिया जाता है और दोबारा से फोर मैन अप होगी, स्क्वाड वेट करेगा। अभी तक सर्कल इनके पास जो मौजूद है, सर्कल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, तो शायद इसी वजह से रुके हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाली टीम के ऊपर जो प्लेयर्स वहां पे मौजूद हैं उनके किल्स को उठा ही लिया जाए। लेकिन वेंजेंस जोन का डैमेज उनको पड़ता है और जोन के डैमेज से नॉक डाउन हो जाएंगे, तो अभी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। अब जो है आपको यहाँ से निकलना होगा, अब यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि जोन का डैमेज आपको जो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुश्किलात बढ़ा सकता है। अगर ऑलरेडी आपके पास कुछ खास लूट मौजूद नहीं है तो आपको जल्दी से निकलना होगा जोन के अंदर, अपनी एंट्री बनानी होगी। S2E की टीम, वो भी फाइट में आते हुए उनकी जानब से एक नॉक निकाला जाता है यूजर ऑफिशियल के ऊपर, लेकिन अभी तक किल कंफर्म नहीं कर पाते। रेक्स के पास एक अच्छा खासा एंगल मौजूद है, मिनी के ऊपर सप्रेसर मौजूद रहने वाला है, तो काफ़ी अच्छे साउंड के साथ यहाँ पे ट्रैप शॉट्स देते हुए हमें नज़र आएंगे। असद, मैक्सी और फैल्कन उनके साथ देने के लिए बिल्कुल पास ही मौजूद। और यूजर ऑफिशियल की बात कर लें तो एक प्लेयर जो नॉक हुए थे उनको नहीं बचा पाते, वो एलिमिनेट हो जाएंगे, रेक्स के खाते में जाते हैं। लेकिन सेवन बैंडित की टीम फाइनली यहाँ पे डिसीजन लेती है सर्कल के अंदर जाने का, यूजर ऑफिशियल के बिल्कुल सामने से नॉक करने की कोशिश। फ्रैगर के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज देते हुए, लेकिन बच के रहना होगा। अगर बाकी प्लेयर जिनको सपोर्ट करते तो शायद एक यहाँ पे नॉक इनके ऊपर निकाल सकते हैं। सर्कल से बाहर हैं, इनको भी सर्कल के अंदर जो है सेवन बैंडेड को जल्दी से जल्दी आना है, उनको रोकने के लिए यहाँ पे यूजर की टीम मौजूद है। यूजर ऑफिशियल के बाकी के प्लेयर्स की बात करें तो उनको भी कॉल आ गई होगी कि भाई इस जाने प्लेयर्स हैं, यहाँ पे अपने क्रॉस एयर रखो। और हाशिर यहाँ पे टाइम टू टाइम पहुँच भी जाते हैं, कैमिन भी आ जाएंगे। और कैमिन शायद अपनी टीम से थोड़ा सा अलग रहने वाले हैं, थोड़ा सा दूर मौजूद हैं, लेकिन
डॉक्टर की टीम वो दोबारा से यहाँ पे जो है कुछ डैमेज लेते हुए नोक यहाँ पे नोक होते हुए केएसके की टीम 6 किल्स निकालने के बाद अभी तक किसी भी फाइट के अंदर नहीं आई। इनिशियली जो उन्होंने किल्स के और किए थे उसी किल्स के काउंट के साथ ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन टीम डॉक्टर वो यहाँ पे बिल्कुल सामने मौजूद है। छोटू उनके ऊपर क्रोसर रख चुके हैं, मास्टर वे पी यहाँ पे बिल्कुल सामने सपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक स्प्रे नहीं देने दिया जा रहा है इनकी जानेब से। शायद एक अच्छा ऐसा एंगल ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ से वो नॉक एंड कंफर्म दोनों चीज़ें साथ कर पाएँ, क्योंकि अगर नॉक कर देते हैं तो यहाँ पे रिवाइवल पॉसिबल है, वो रिवाइव हो सकते हैं, लेकिन किसी अगर ऐसी पोजीशन में पकड़े जाते हैं जहाँ पे रिवाइवल देना मुश्किल हो जाए जाएगी। वी एल आर की टीम भी सैम पेंडिट के साथ फाइट करती हुई, वी एल आर वर्सेस सैम पेंडिट की भी चॉइस यहाँ पे पहली फाइट बनती हुई नजर आ रही है। इससे पहले एक ही किल इनके पास मौजूद है और सेवन बैंडिट के प्लेयर्स के लिए मुश्किलात बढ़ाई जा रही है। सेवन बैंडिट जो थोड़ी देर पहले डेस्क के साथ करते हुए नजर आ रही थी, अभी उनके साथ जो है कारमा होता हुआ नजर आ रहा है। दो प्लेयर्स हैं उनके जोन के बाहर ही एलिमिनेट हो जाएंगे और अभी उनको जोन के अंदर एंटर होना है और जोन की एंट्री उनके लिए जो है मुश्किलात बढ़ाई जा रही है। जोन के अंदर एंट्री भी उनको नहीं करने दी जा रही, लेकिन सेवन बैंडिट के राफे यहाँ पे अपने प्लेयर को रिवाइवल देने के लिए आते हुए, लेकिन छोटू यहाँ पे क्या ही कमाल कर रहे हैं। छोटू के पास डीबीएस मौजूद है और डीबीएस के यहाँ पे अच्छे खासे शॉट्स देते हुए और बैक टू बैक प्लेयर्स को गिराते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे किल किया जाता है कंफर्म और दोबारा से आगे बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे बिल्कुल सामने इनके सेवन बैंडिट के। ईस्ट एम वी पी भी सर्कल के अंदर आने की कोशिश में है, उनको सपोर्ट किया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल पास से गुजर जाते हैं, वो हार्ड कवर में चले जाते हैं, तो शायद उनके ऊपर नॉक नहीं निकाल पाते। लेकिन सर्कल चल चुका है, सर्कल के अंदर जाना है, एंट्री बनाई जा रही है, शायद सर्कल के अंदर जाने में कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी जो सर्कल के अंदर टीम्स मौजूद हैं फाइट बनती दिया जा रहा है, लेकिन जो प्लेयर आ रहे हैं उनको भी नॉक डाउन कर दिया जाएगा। टीम टीएक्स काफी बड़ी मुश्किल में जा चुके हैं, टीम ऑक्सी उनके लिए कहर यहां पे बनती हुई कहर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ऑक्सी के प्लेयर्स की बात करें तो उनके भी एक प्लेयर नॉक डाउन है, लेकिन रिवाइवल देने के लिए प्लेयर साथ मौजूद जरूर हैं। शाका यहां पे स्प्रेज देते हुए ईबी यहां पे बकी लेके आगे बढ़ते हुए ईबी की जानिब से एग्रेस किया जा रहा है, शायद बकी से किल्स को कंफर्म करना चाहते हैं, लेकिन बचना होगा। बैक एंड से भी काफी ज्यादा टीम सर्किल के अंदर पहुंच चुकी है, अगर बिल्कुल ओपन के अंदर पकड़े जाते हैं तो शायद इनके लिए भी मुश्किल बढ़ सकती है। केएसपी की टीम मौजूद है, शॉट हो जाएंगे, ईबी के स्प्रे जाएंगे, छोटू को नॉक किया जाएगा। जोन के पास से सेवन बैंडिट की टीम की बात करें वो भी जोन के अंदर इंटरेस्ट लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं, तो फाइट बनती फाइट्स यहां पे स्टार्ट होते हुए नजर आ रही है। केएचके की टीम छोटू को बचाना होगा और साथ ही साथ आगे भी बढ़ना होगा, लेकिन टीम सेवन बैंडिट यहां पे आगे बढ़ते हुए और नजर आ रहे हैं, लेकिन राफे यहाँ पे रुकेंगे, उनकी जानिब से एक प्लेयर को नॉक किया जाता है, एक किल कंफर्म किया जाता है, लेकिन खुद ट्रेड फायर में एलिमिनेट हो जाएंगे। केएचके प्लेयर को मरवा चुके हैं, लेकिन ब्लू को रिवाइवल देने के लिए एस एलियन आ जाते हैं और शायद इनको रिवाइवल दे भी दिया जाए, लेकिन बचना होगा। अगर एच टू ई के क्रॉसर इस जगह पे आते हैं तो शायद इनके लिए मुश्किल बढ़ाई जा सकती हैं। असद जा चुके हैं, अगर गाड़ी यहाँ पे बस्ट होती है तो शायद ये नॉक निकल के इनके जो है खाते में आ सकता है, लेकिन फैल्कन के फाइट लेते हुए उनकी जानब से एक नॉक निकाला जाएगा। डेथ नाइट हो गया ओपी को, जोन के बाहर जो है उनके ऊपर नॉक निकाला जाता है। वेंजेंस भी बिल्कुल पास मौजूद है और साथ ही साथ हुसैन उनके पास मौजूद रहने वाले हैं। हर तरफ फाइट्स ही बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन टीम एच टू ई वो बिल्कुल जोन का मजा लेते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अभी जोन की शिफ्ट जो होगी वो उनको फेवर नहीं करेगी, उनको सर्कल के अंदर जाना होगा। सर्कल किसी भी टीम के पास नहीं है, सभी की सभी टीम जो अभी तक इस लॉबी में सर्वाइव कर रही हैं उन सभी टीम को सर्कल के अंदर जाना है, लेकिन टीएस की टीम वो काफी रेड एक्स अकेले प्लेयर सर्वाइव करते हुए, मैक्सी उनको बिल्कुल भी हिलने भी नहीं दे रहे। इनके प्लेयर को नॉक किया गया था और उस प्लेयर को रिवाइव देना चाहते थे, लेकिन उसको कामयाब नहीं हो पाते। रेड एक्स अभी आगे बढ़ना होगा, सर्कल चल चुका है, लेकिन क्या कामयाब हो पाएंगे। मैक्सी शॉट ये किल कंफर्म कर लेंगे, जी हाँ यहाँ पे मिनी के चैप शॉट्स आते हैं मैक्सी की जाने से और इस किल को भी उठा लिया जाएगा। ऑक्सी की टीम 5 किल दिए भी निकाल चुके हैं, चारों के चारों प्लेयर के साथ सर्वाइव करते हुए। शाका के पास 3 किल्स मौजूद हैं, ईबी भी 1 किल के साथ मौजूद हैं, उसके अलावा
किंग्स की बात करें वो अभी तक कोई भी किल सिक्योर नहीं कर पाया, लेकिन सर्कल के अंदर जाना हो इनको भी, और सर्कल के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन टीम डॉक्टर इनका वेलकम करने के लिए सामने उन्होंने पहला नोट किया है, किल कंफर्म भी कर लिया है। टीम डॉक्टर इनके प्लेयर्स को वन बाई वन शायद पिक कर सकती है, क्योंकि ऑक्सी के पास कुछ खास हार्ड कवर शायद यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन इरेंगल है तो आपको रिजिस के कवर मिल जाएंगे, और रिजिस के कवर में ही टीम अपने आप थोड़ी देर के लिए बचाते हुए नजर आएगी, लेकिन बैकेंड से भी मुहतात रहना होगा। बैकेंड से भी टीम आ सकती है, अगर बैकेंड से टीम जाने से पुश किया जाता है तो शायद ऑक्सी के लिए और ज़्यादा मुश्किल बढ़ाई जा सके। टॉप फाइव टीम हमारे सामने मौजूद हैं, आर डी के रहमान अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता से बचते बचाते टॉप फाइव के अंदर लेके आ चुके हैं। जी जी टू रहमान, जिस तरह से इन्होंने खेला, जिस तरह से अपनी टीम के लिए जो है पोजीशन पॉइंट निकालने में लग चुके हैं, अपनी टीम को जो है टॉप फाइव के अंदर लेके आ चुके हैं। और द अदर साइड डेस्क की बात करें तो इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रही इस सफ़र में, और इस सारे सफ़र में दो प्लेयर्स सफ़र करते हुए हमें नजर आएंगे। बिल्कुल सामने एच टू ई की टीम मौजूद है, उनके ऊपर नेट्स किए जा रहे हैं, नेट्स का काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी मिल रहा है इनको, लेकिन अभी तक कुछ खास कामयाबी नहीं निकाल पा रहे, कुछ नॉक नहीं निकाल पा रहे। एच टू ई इस मैच के अंदर काफ़ी अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस जोन शिफ्ट ने उनके लिए भी मुश्किल बढ़ा दी हैं। अभी दो ही प्लेयर्स बाकी रहने वाले हैं, लेकिन फैल्कन के स्प्रेज, क्या ही खूबसूरत स्प्रेज इनकी जानब से देखने को मिल रहे हैं। अगेन एक स्प्रे जाएगा, वेंजेंस को नॉक कर दिया जाएगा। हुसनैन अभी नेक्स्ट टारगेट रहने वाले हैं, उनके ऊपर एग्रेस करने की कोशिश की जा रही है। फैल्कन और असद दोनों, ये दो जो है ये अपनी टीम के लिए एक उम्मीद अभी भी चिकन डिनर की जिंदा रखे हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हुसनैन के ऊपर क्रॉसर रहने वाले हैं, हुसनैन वर्सेस असद, क्या यहाँ पे असद ये नॉक निकाल पाएंगे? जी हाँ, यहाँ पे S12 के शॉट्स जाएंगे और हुसनैन को कंफर्म कर दिया जाएगा। टीम H2E एक टीम को एलिमिनेट करने के बाद टोटल दो किल्स और अपने खाते में डाल चुके हैं, 7 किल्स इनके पास भी आ चुके हैं। ऑक्सी की बात करें तो इनके पास भी 6 किल्स रहने वाले हैं, 3 प्लेयर्स इनके पास मौजूद हैं। टीम डॉक्टर की बात कर लें तो 2 किल्स के साथ 3 प्लेयर्स इनके भी मौजूद हैं, ऑक्सी वर्सेज डॉक्टर होता हुआ। और F2D की बात करें तो H2E की बात करें तो इनकी यहाँ पे फाइट बनती हुई टीम डॉक्टर के साथ, टीम डॉक्टर शायद यहाँ पे पिंच होती हुई नजर आ रही है। एक साइड से ऑक्सी की टीम उनको डैमेज दे रही है और दूसरी साइड से H2E की टीम जो है उनके लिए मुश्किल बढ़ाती हुई नजर आ रही है। रहमान एक सरप्राइज एलिमेंट निकल के आते हैं, फैल्कन को एक सरप्राइज किया जाता है, नॉक किया जाता है, और अभी असद के ऊपर क्रॉसर रहने वाले हैं, असद की जानिब से नेट फेंका जा रहा है, बचना होगा रहमान को, अगर ये नेट हिट करता है तो शायद रहमान यहाँ पे एलिमिनेट हो सकता है। और जी हाँ, यहाँ पे नेट हिट करेगा और रहमान को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और असद अभी अपनी टीम से सोलो सर्वाइव करते हुए सामने तीन प्लेयर्स, दो टीम्स के मौजूद रहने वाले हैं, 3v3v1 की सिचुएशन बनती हुई। ऑक्सी वर्सेस डॉक्टर अगर इसको होने देते हैं तो शायद असद अपने लिए कुछ खास पोजीशन पॉइंट्स निकाल सकते हैं, अगर इस फाइट को होने दें और वेट करें तो शायद चिकन डिनर भी स्क्योर कर सकते हैं। असद अभी तक ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हुए जोन के अंदर एंट्रेंस बना चुके हैं और एक कुछ हाइट एडवांटेज भी मौजूद है, पूरा स्नैरियो उनके आंखों के सामने, सारी की सारी टीम्स दोनों फाइट करते हुए, लेकिन नॉक निकालना चाहते हैं, आगे बढ़ेंगे, नॉक करने में नाकाम रहते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन बचना होगा क्रॉसर से, बचना होगा, सामने से क्रॉसर आ सकता है, जो है टीम ऑक्सी की जानिब से क्रॉस फायर नहीं किए जाते, और इसी सारे स्नैरियो में पहला नॉक उनकी जानिब से आ चुका, लेकिन टीम ऑक्सी वो अभी बिल्कुल पिंच हो चुके हैं, और असद नॉक करने के बाद किल भी कंफर्म कर जाते हैं। असद 3 किल्स निकाल चुके हैं और टीम ऑक्सी के लिए मुश्किलात बढ़ाई जा चुकी है उनकी जानिब से। डॉक्टर अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, टीम डॉक्टर की बात करें 3 प्लेयर्स इनके मौजूद हैं और सामने ऑक्सी के 2 प्लेयर्स मौजूद हैं और असद भी मौजूद रहने वाले हैं। असद के पास अच्छा खासा एंगल यहां पे मौजूद है, अगर डॉक्टर के प्लेयर्स ओपन में अंदर आते हैं तो शायद उनको भी नॉकडाउन एंड कन्फर्म कर पाते हैं। हाशमी वो थोड़ा सा विचुअल कवर बना के थोड़ा सा आगे निकलने की, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शाका के ऊपर क्रॉसर जमा चुके हैं, अभी शाका का नेक्स्ट टारगेट रहने वाले हैं, नॉक किया जाता है, कंफर्म किया जाएगा। असद यहाँ पे इस सारे स्नैरियो का फायदा उठाते हुए, दोनों ही टीम्स फाइट कर रही है, लेकिन जहां पे इनका दा लगता है वहां पे एक प्लेयर को नॉक किया जाता है और साथ ही किल भी कंफर्म कर लिया जाता है। असद 4 किल्स निकाल चुके हैं, अपने आप को टॉप 3 के अंदर भी लेके आ चुके हैं, ईपी भी लास्ट प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन वो यहाँ पे रिंगते आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ रहे हैं। सामने टीम डॉक्टर के 3 प्लेयर्स मौजूद हैं, असद को स्पॉट कर लिया जाएगा ईपी की जानिब से, लेकिन गलती की जाती है यहाँ पे फायर करके, अगर यहाँ पे फायर नहीं करते तो शायद कुछ और देर सर्वाइव कर सकते थे, लेकिन अभी दोनों ही टीम्स की नजरें इनके ऊपर आ चुकी है, असद वो भी आगे जा चुके हैं, लेकिन टीम डॉक्टर यहाँ पे असद को सपोर्ट करते हैं, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ईबी के ऊपर 1v4 की 1v3 की सिचुएशन बनती हुई, लूप को यहाँ पे डैमेज देंगे, लेकिन दूसरी जान से कुछ भी डैमेज देते हुए ईबी के हाथ में मौजूद जरूर थी, एक प्लेयर को नॉक भी किया था, लेकिन यहाँ पे टीम डॉक्टर कम बैक करते हुए, तो जी जीज टीम डॉक्टर अपनी टीम के लिए जो है एक चिकन डिनर सिक्योर करते हुए, जी जीज
टोटल अगर किल्स की बात करें तो जस्ट 4 ही किल्स निकाले हैं, लेकिन अपनी टीम के लिए 10 पॉइंट्स चिकन डिनर के भी स्क्योर कर रखे हैं इन्होंने। 3 प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा सर्वाइवल निकाला, अपने आप को इस पोजीशन के ऊपर लेके आए जहां से वो अपनी टीम के चिकन निकाल पाते, और फाइनली उन्होंने चिकन इस मैच में हासिल भी कर लिया है। नंबर सेकंड के ऊपर टीम ऑक्सी रहेगी, इनके पास भी 6 किल्स रहने वाले हैं। शाका की जानिब से 3 किल्स निकाले जाते हैं तो ईबी के पास रहेंगे। और नंबर थर्ड के ऊपर टीम H2E रहती है, H2E की अगर बात करें तो इन्होंने काफ़ी अच्छे निकाले हैं। असद में लास्ट जो कुछ टीम्स के साथ फाइट्स ली हैं उधर 4 किल्स स्कोर किए, और ओवरऑल अगर टीम किल्स की बात करें तो 10 पास मौजूद और थर्ड के ऊपर। और नंबर फोर्थ के ऊपर RD की टीम रहेगी, 2 किल्स इन्होंने ही निकाले हैं। नंबर फिफ्थ डेस्क की टीम रहेगी 6 किल्स के साथ। नंबर के ऊपर अगर बात करें तो KSK का स्क्वाड रहेगा, KSK भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव देखने को मिले। अर्ली स्टेज के ऊपर 6 किल्स को मिल चुके थे, लेकिन के बाद अगर बात करें तो 4 किल्स उन्होंने और निकाले हैं 10 किल के साथ, वो भी इस मैच से जाएंगे नंबर 6 पे। नंबर 7 पे ALT की टीम 4 किल के साथ। नंबर 4 PV यहाँ पे रहेगी, 4 किल उनके पास रहेगी। नंबर 9 के ऊपर VLR की टीम साथ। नंबर 10 के ऊपर रहेगी यूजर के स्क्वाड 0 किल। नंबर 11 7 बैंडिट की टीम 5 किल। नंबर 12 के ऊपर KX की टीम 0 किल। नंबर 13 TM का स्क्वाड 1 किल के साथ। नंबर 14 के ऊपर TW की टीम 1 किल के साथ। नंबर 15 यहाँ पे CSB कार्बन का स्क्वाड रहेगा 1 के साथ। और नंबर 16 यहाँ पे TBR का स्क्वाड रहेगा। तो इसी तीसरा मैच यहाँ पे इरेंगल का भी एंड होते हुए, और टीम्स ने काफ़ी हर मैच के अंदर हमें एक डिफरेंट विनर देखने को मिला, एक डिफरेंट टीम की जानब से जो है चिकन किया गया है। और अभी भी जो मुकाबला है वो बरकरार रहेगा, टीम का जो टॉप 8 के अंदर अपने आप को लेके जाने का जो मुकाबला है वो अभी भी चलता हुआ हमें नजर आएगा। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट मैच के अंदर क्या अगेन हमें कोई नई टीम देखने को मिलेगी, या इन्हीं में से कोई और टीम ऐसी हो कि जो कमबैक निकाल के अगेन एक चिकन डिनर सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रीम देख रहे हैं तो लाजमी से स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ी देर में वापस आते हैं हम। आप भी राइट बाय। चलो रखता हूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अभी टाइम मिला है। बिजली के बिल की डेट निकल गई। हाँ पता है मुझे, इस वक्त बात नहीं कर सकता।
hard to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start. वेलकम बैक एंड खुश आमदीद आप सबको पबजी मोबाइल के टू गेमर पाकिस्तान इस शो डाउन में. और आज का लास्ट मैच स्टार्ट होता हुआ थोड़ी प्लेन पाथ हमारे सामने होगा. और जी हाँ, यहाँ पे प्लेन पाथ ऑन द स्क्रीन आपके सामने रहेगा और टीम्स यहाँ पे अपने अपने टॉप पॉइंट्स पे जाती हुई हमें थोड़ी देर में नज़र आएंगी. प्लेन पाथ की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रिजन से स्टार्ट होगा और अपनी मोस्ट और मिलिट्री बेस की साइड पे एंड करेगा. और टीम्स जो इस साइड पे उतरती हैं लाइक मिलिट्री बेस वाले जो आइलैंड है यहाँ पे अगर उतरती हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी. लेकिन जो टीम्स शूटिंग रेंज सिवर्नी स्टॉलबर्ग और जॉर्ज पुल वाली साइड पे जाती हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेंगी क्योंकि सॉरी यहाँ पे जो है व्हीकल्स लेके उनको जाना होगा अपने अपने ड्रॉप पॉइंट्स के ऊपर. लेकिन आज के दिन का दूसरा ही रेंगल है तो शायद आइडिया हो चुका होगा टीम्स को अपने अपने एक दूसरे के ड्रॉप्स का. तो शायद अभी इस मैच में ड्रॉप क्लैशेस भी नहीं देखने को मिलेंगे. पिछले मैच के अंदर यस्नाया में हमें टीम आर डी वर्सेज जो है टीम यूजर ऑफिशियल होता हुआ नजर आया था. लेकिन टीम शायद इस मैच में भी दोनों ही टीम्स स्ट्रीम ड्रॉप पॉइंट पर जाती हुई नजर आ रही हैं. लेकिन बाकी की टीम्स की बात करें टीम यहाँ पे मिलिट्री बेस वाली साइड पे भी कुछ टीम्स तो नहीं है. टीबीआर का स्क्वाड रहेगा टीबीआर की टीम मिलिट्री बेस पे आती हुई उनके साथ यहाँ पे एक और टीम भी हमें देखने को मिल रही थी. तो शायद इस साइड पे भी हमें कुछ ड्रॉप क्लैश देखने को. लेकिन टीम एसटी उनके तीनों प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं मेरे ड्रॉप पॉइंट पर उतर जाएंगे. टीडब्ल्यू की टीम रहने वाली है और उनकी जानब से जो है अभी लूट भी की जा रही है. टीम आर डी की बात करें तो वो शायद ये सारा करके उतर चुके हैं यहाँ से थोड़ा सा दूर उतरे थे और व्हीकल्स लेके यहाँ से निकलना चाहते. लेकिन सी एम वर्सेज यूजर ऑफिशियल अगेन सिवर्नी के अंदर होता हुआ और दोनों टीम्स अगेन आमने सामने आ चुकी हैं. टीम सी एम की बात करें पिछले मैच के अंदर भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाए. इस मैच के अंदर अगेन उनके पास एक चांस है अच्छी परफॉर्मेंस निकालने के बाद अपने आप को टॉप एट के अंदर लेके आ सकते हैं. जी हाँ, यहाँ पे टॉप एट वो टारगेट रहेगा जिस टीम को हर एक की कोशिश है कि उसको अचीव करें अपने आप को नेक्स्ट स्टेजेस में लेके जाएं. टॉप एट टीम जो है यहाँ से क्वालिफाई करेंगी क्वार्टर फाइनल्स के लिए. तो देखते हैं अभी कौन सी वो एट टीम्स हैं इस ग्रुप से जो है हमें क्वालिफाई करते हुए नजर आएंगे. लेकिन किल फीड के अंदर आते साथ ही कुछ टीम्स यहाँ पे फाइट्स में इंगेज होते हुए सी एस बी की टीम भी उतर चुकी है. सी एस बी के कार्बन जवाद जिस जगह पे उतरे हैं बिल्कुल सामने यहाँ पे चार प्लेयर्स मौजूद थे टी बी आर के
जो इनके लिए मुश्किलात बढ़ा देते हैं। नूब ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, जवाद के ऊपर एग्रेसिव कर रहे हैं और अभी फाइनली जवाद को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी के दोनों प्लेयर्स लाइक हमजा की बात कर लें, वो भी जो है अपनी गन्स लेके आगे आ चुके हैं, वो शायद अपने टीममेट का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन ये जो बदले वाली सिचुएशन है ये शायद इनके लिए मुश्किलात और बढ़ा सकती हैं। अगर ये दोनों प्लेयर सर्वाइव करते हैं तो कुछ और पोजीशन पॉइंट्स गलती की जाती है इनकी जानिब से स्प्रे देके, और अभी इनके ऊपर भी ये टीम एग्रेस करती हुई नजर आएगी। बैक एंड से टॉक्सिक भी आ जाएंगे अपने टीममेट को कवर फायर प्रोवाइड करने के लिए, तो शायद अभी 2v4 एक फाइट बनती हुई नजर आएगी। लेकिन टॉक्सिक यहां पे हमजा को बिठाएंगे व्हीकल में और शायद यहां से निकलना चाहेंगे, और यहां से निकलना एक अच्छी मूव इनकी जानिब से होगी। अगर हम फाइट में थोड़ा ज्यादा जाते तो शायद खुद भी एलिमिनेट हो सकते थे। लेकिन टीबीआर की टीम अगली दो किल्स उनके पास आ चुके हैं और इन्हीं दो किल्स के साथ अभी अपनी लूट जारी रखेंगे। लूट कंप्लीट करने के बाद जो है दोबारा से हमें कुछ फाइट्स में आते हुए नजर आएंगे। लेकिन टीम आरडी की बात करने तो चार प्लेयर्स इनके भी मौजूद हैं, अपने ड्रॉप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं फाइनली। व्हीकल्स लेके इनकी जानिब से रोटेट आउट किया जाता है और सिवर्नी के अंदर ये टीम पहुंचती है और अपनी लूट भी जारी कर चुकी है। और सॉरी, अगर दूसरी साइड पर अगर टीम डॉक्टर की बात करें, टीम डॉक्टर के भी चारों प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन ऑक्सी के प्लेयर्स बिल्कुल पास से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, तो शायद एक रोटेशनल क्लैश बनता हुआ टीम डॉक्टर वर्सेस ऑक्सी। लेकिन अभी तक के लिए टीम डॉक्टर अपने ही कंपाउंड के अंदर रहेंगे और स्कूटर लेके शायद उनसे पार्टनर्स रहते हैं वहाँ पर उतर चुके हैं और उसी जाने पर एंडलेस करते हुए नजर आएंगे। सेवन बैंडेज की बात कर ली तो लिक्विड पक अंदर उतरा जाएगा इनकी जानब से और चारों भी प्लेयर्स अपनी लूट में बिजी हैं और राफे यहाँ पे मौजूद हैं, ईस्ट मौजूद और फ्रैगर यहाँ पे मौजूद रहने वाले और जोरो बॉय यहाँ पे मौजूद है। पिछले मैच के अंदर भी एक अच्छी परफॉर्मेंस इनकी जानब से निकाली जाती है, लेकिन उस जो एक अर्ली फाइट उन्होंने जीती थी उसको अच्छी तरह से उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते। नेक्स्ट स्टेजेस में जो है थोड़ा ही आगे जाते हैं और अपने आप की जो है जान गंवा दी जाती है। लेकिन यूजर ऑफिशियल के प्लेयर्स को मुहतात रहना होगा क्योंकि सीएम के प्लेयर्स उनको चारों तरफ से घेर चुके हैं। स्लेयर की बात करें, उनके पास एक अलग एंगल मौजूद है, छोटा डॉन वो एक अलग एंगल के ऊपर मौजूद हैं, आहिस्ता आहिस्ता से क्लोज इन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो शायद यहाँ पे टीम यूजर ऑफिशियल को एलिमिनेट करने का इरादा बना चुकी है। टीम रेवन के पास भी एक अलग एंगल मौजूद रहने वाला है, मेंटल के ऊपर अपनी नजरें बना के बैठे हुए, शायद मेंटल को सपोर्ट किया जा चुका है इनकी जानिब से और वेट किया जा रहा है कि अगर मेंटल थोड़ा सा भी ओपन के अंदर आते हैं तो एक ओपनिंग नॉक निकालने के साथ ही ये टीम शायद हमें एग्रेस करती हुई नजर आ सके। टीम सीएम के मादी की बात करें तो वो भी एक जो है डिफरेंट एंगल के ऊपर मौजूद है, उनके सामने हाशिर मौजूद रहने वाले हैं, तो हाशिर वर्सेस मादी होता हुआ नजर आ सकता है। हाशिर भी यहाँ पे इसी जो विंडो का एक कवर रहता है उसके अंदर रोड जो है रुक के स्पॉट करने की कोशिश की जा रही है, वेट कर रहे हैं सामने वाले प्लेयर्स का कि वो गलती करे और उनको जो है उस गलती की पनिशमेंट दी जाए इनकी जानिब से। लेकिन अभी तक जो है कुछ भी इस तरह की इनके दरमियान सिचुएशन बनती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन इसी सारे स्नैरियो में सर्कल चल चुका है और टीम्स जो सर्कल से बाहर हैं उनको जल्दी से निकलना होगा, जिसमें यूजर ऑफिशियल और सीएम की भी टीम आती है और सर्कल यहाँ पे चल चुका है और सर्कल का डैमेज भी बढ़ता हुआ और ये डैमेज जो है टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ाएगा। लेकिन सी एस बी थोड़ी देर पहले अपने दो प्लेयर्स को गवा चुके थे, अभी और टीम के साथ फाइट में आ चुके हैं। वीएलआर की टीम उनके सामने आ चुकी है, वीएलआर के दो प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जा चुका है। वीएलआर के प्लेयर नूब इनके बिल्कुल पास मौजूद है, रेडॉक्स भी आ जाते हैं बिल्कुल सामने आकर रुकते हैं, नेट फेंकने की उनकी जानिब से भी कोशिश की जा रही है। 2v2 की एक प्रॉपर फाइट बनती हुई, तो देखना ये होगा क्या यहाँ पे VLR ये फाइट जीतेगी या CSB कार्बन इस फाइट को लेके जाएगी। CSB की वो टीम थी जो पिछले मैच के अंदर भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, पिछले मैच में भी अर्ली एलिमिनेशन इनको जो है सामना करना पड़ता है। इस मैच के अंदर अगेन अर्ली दो प्लेयर्स को गवा दिया जाता है, दो ही प्लेयर्स के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे उनके बैक टू बैक दो मैचेस बुरे जाएं। लेकिन VLR की टीम वो यहां से नहीं जाना चाहते और वो ये किल जो उठाना चाहते हैं, नेड्स किए जा रहे हैं, नेड के साथ ओपनिंग निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक तो कुछ खास कामयाबी इनको नहीं मिल रही। रेडॉक्स के बाद अगर बात करें तो उनके पास स्कारल मौजूद है और साथ साथ एक शॉटगन भी मौजूद रहने वाली है, तो अगर शॉटगन के साथ क्लोरेंज में फाइट लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इनको फायदा हो
हो सकता है सामने वाली टीम के ऊपर हावी होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन कार्बन यहाँ पे पहले बात करेंगे, एक नॉक दूसरा नॉक और उसी के साथ सी एस बी कार्बन यहाँ पे दो प्लेयर दोनों के दोनों प्लेयर्स को एलिमिनेट करके अपने बैक बैक में दो किल्स और डालेंगे। दोनों ही किल्स यहाँ पे टॉक्सिक के पास जाते हैं, तो टॉक्सिक कहीं ना कहीं 1v2 एक इनके ऊपर पुल करके जाते हैं। ऑन अदर साइड सीएम की टीम फाइट में आते हुए यूजर ऑफिशियल के साथ सीएम के रेवन यहाँ पे बैक टू बैक नॉक निकालते हुए और साथ साथ किल भी कंफर्म कर लिया जाता है। टीम यूजर ऑफिशियल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल बढ़ा दी जाती है टीम सीएम के लिए। अभी सीनियर की बात करें उनके ऊपर एग्रेस करते हुए, लेकिन सामने से छोटा डोन यहाँ पे डीबीएस के शॉट्स देते हुए सीनियर को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। टाइम वेस्टेड भी जोन से बाहर जो है हमें ब्लीड आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। हाशिर यहाँ पे पहुंच जाएंगे, हाशिर को अभी अपने प्लेयर को रिवाइवल भी देना है और सामने वाली टीम के साथ फाइट भी लेनी है, लेकिन रिवाइवल शायद यहाँ पे पॉसिबल ना हो पाए क्योंकि टीम सीएम वो ऐसा सबसे आगे बढ़ रही है और टाइम वेस्टेड को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। हाशिर के पास ओपन के अंदर सामने पास आते हुए स्पॉट कर दिया जाएगा, नॉक किया जाएगा, पहला नॉक तो आ चुका है। क्या यहाँ पे 1v4 निकाल सकते हैं? अगर ये नेड रेवन के ऊपर हिट करता है तो शायद एक 1v2 हो जाएगा, उसके बाद साकी के बाकी के प्लेयर्स को भी एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं होंगे। लेकिन सामने से एक अच्छा नेड और रेमन यहाँ पे जो है कंफर्म कर लिया जाएगा उनके जानिब से इस प्लेयर को, और इसी के साथ यहाँ पे यूजर ऑफिशियल की पूरी टीम एलिमिनेट हो जाएगी और सीएम का स्क्वाड पहले चार किल्स निकालने के बाद अभी यहाँ पे सर्वाइव करता हुआ मादी को रिवाइवल देना होगा। मादी शायद यहाँ पे बाहर मौजूद है और रिवाइवल उनको दे भी दिया जाएगा, लेकिन सर्कल से काफी दूर है, जल्दी से जल्दी सर्कल के अंदर जाना होगा। दूसरी जानिब डिस्ट्रॉयर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के लिए मुश्किलात बढ़ा दी जाती हैं। शेरी को नॉक किया जाता है और सेवन बैंडिट के प्लेयर्स बड़ी ही बेदर्दी के साथ उनको गाड़ी के नीचे देके जो है उनके किल्स को कंफर्म कर देते हैं। डेस नाइट वो यहाँ पे अपने पैर को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बचा नहीं पाएंगे। प्रैगर के ऊपर क्रॉस एयर मौजूद, स्नैपशॉट लेने की कोशिश लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन बचना होगा खुद को भी। जोन के बाहर है, कुछ जोन का भी डैमेज पड़ रहा, अगर सामने से प्लेयर्स की जानिब से भी डैमेज दिया जाता है तो शायद डिस्ट्रॉयर के लिए और ज्यादा मुश्किल बढ़ा दी जाए। यही वो दो टीम्स थी जो पिछले मैच के अंदर भी अर्ली स्टेजेस के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने आती हुई नजर आई, इस मैच के अंदर अगेन एक दूसरे के जो है सामने आ जाती हैं, एक दूसरे के साथ फाइट में इंगेज हो जाते हैं। लेकिन सेवन बैंडिट वो उनका स्प्रेड देखें, प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा जो है एक दूसरे से दूर रहने वाले हैं, अगर किसी भी जगह पे नॉक होते हैं कोई प्लेयर तो उनको रिवाइवल देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है इनके लिए। लेकिन डिस्ट्रॉयर स्पोर्ट्स वो भी कुछ अलग ही एंगल से अटैक करने की कोशिश में लग चुके हैं और राफे को हुसनैन की जानिब से नॉक किया जाता है। हुसनैन यहाँ पे एक काफ़ी अलग एंगल के ऊपर आ जाते हैं। डेस नाइट दूसरी जानिब फ्रैगर को नॉक करते हैं, अभी मुश्किल बढ़ चुकी हैं टीम सेवन बैंडिट के लिए। जहाँ पे थोड़ी देर पहले टीम सेवन बैंडिट हमें थोड़ा सा अपर हैंड के ऊपर नजर आ रही थी, अभी सेवन बैंडिट के लिए जो है मुश्किलात और ज्यादा बढ़ा दी जाती हैं। जोरो बॉय के ऊपर अभी ग्रेस करते हुए डेथ बैंडिट के सामने आकर रुके हैं, यूएमपी का डैमेज देते हुए, लेकिन कुछ खास डैमेज नहीं निकाल पाएंगे और उसी सारे स्नैरे में वेंजेंस की जानिब से ट्रेड फायर आता है और जोरो बॉय को भी नॉक कर दिया जाएगा और साथ ही साथ किल भी कंफर्म करते हुए सेवन बैंडिट के हीस्ट एमवीपी लास्ट प्लेयर अपनी टीम से सर्वाइव करते हुए। ऑन द अदर साइड एएलटी के स्क्वाड भी काफी देर से हमें किल फीड के अंदर डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके जाने से भी शायद किसी एक स्क्वाड को एलिमिनेट कर दिया गया है। हाँ, यहाँ पे पूरे का पूरा स्क्वाड एलिमिनेट कर दिया गया है, टोटल चार किल्स जिनके पास मौजूद हैं, लेकिन अभी भी बग्गी जिस जानिब घुमा रहे हैं वहाँ पे एक प्लेयर मौजूद है टीम डॉक्टर के, टीम डॉक्टर के साथ इनकी फाइट होती नजर आ रही थी। डॉक्टर की बात कर लें तो हाशमी थोड़ा सा दूर मौजूद है और इनके टीम मेट मास्टर एमवीपी की बात करें तो वो ALT के बिल्कुल सामने ही प्लेयर्स के मौजूद रहने वाले, और अभी स्मोक करके यहाँ पे गाड़ी निकाल ली जाती है और शायद गाड़ी निकालने के बाद अपने प्लेयर के साथ रीग्रुप किया जाए। लेकिन बैकेंड से डैमेज काफ़ी पड़ रहा है, टीम ओग की यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हुए उनके जानब से कोशिश की जाती है इनको नॉक करने की, लेकिन अभी तक जो है कन्फर्म नहीं हो पाते, इनकी जानब से स्प्रेज उस तरह से नहीं दिए जा सकते। लेकिन टीम ओग की उनको पता चल चुका है कि यहाँ पे एक सोलो प्लेयर है, वो एग्रेस करते हुए इबी गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं बैक एंड से। बाकी के प्लेयर्स की बात करें तो वो भी व्हीकल्स लेके आ चुके हैं, शायद वो ये किल उठाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ये किल हमारे हाथों से निकल जाए और इसी सारे स्नैरी में शायद यहाँ पे मास्टर एमवीपी के लिए मुश्किल और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन मास्टर एमवीपी वो भी नहीं रुकते, उस जगह पे अपने प्लेयर के पास पहुंच जाएंगे। हाशमी भी जो है इसी जाने को मौजूद हैं, सेवन बैंडिट हीस्ट की बात करें वो भी जो है इसी सारे स्नैरियो में इनके ऊपर नजरें जो है अपनी जमा के बैठे हुए, वो कोशिश कर रहे हैं इनको स्पॉट करने की। अगर वो स्पॉट कर लेते तो शायद इनको जो है इनके लिए मुश्किल बढ़ा दी जाएंगी उनकी जाने से।
सर्कल यहाँ पे अगेन एक और शिफ्ट लेता हूँ, और ये सर्कल जो है अगेन जो है टीम्स के लिए मुश्किल बनाएगा जो टीम्स जाएंगी मिलिट्री बेस वाले आइलैंड के ऊपर, लाइक सीएसपी के थ्रू वो सर्कल से बाहर है। H2E की टीम वो अभी जो है नोवो से अपनी रोटेशन स्टार्ट कर चुके हैं, सर्कल के अंदर जाने की कोशिश में लग चुके हैं, लेकिन TBR का स्क्वाड इस फाइट से जो है इस सारे स्नैरियो से इस पोजीशन से अच्छे खासे पॉइंट्स अपने लिए निकाल सकते हैं। ब्रिज कैंप लगाते हुए हमें नजर भी आ रहे हैं चारों के चारों प्लेयर्स, लेकिन मास्टर MVP बहुत बचते हैं टीम ऑक्सी से, लेकिन ऑक्सी उनका पीछा नहीं छोड़ती। बी की जानिब से मास्टर MVP को नॉक किया जाता है और उनके किल को कंफर्म कर दिया जाएगा। हाशमी अभी अपनी टीम से लास्ट प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं और हीस्ट MVP के बिल्कुल साथ ही कुछ ही कदम दूर ये भी सोलो अपने प्लेयर अपनी टीम के लिए कुछ पोजीशन पॉइंट्स निकालने की कोशिश में लग चुके हैं, लेकिन टीम ऑक्सी अगर वो यहाँ पे एग्रेस करते हैं तो शायद ये किल भी उनके खाते में जा सकता है, लेकिन ऑक्सी एक किल के साथ चारों प्लेयर से सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। सर्कल के अंदर एक एज के ऊपर पहुँच चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। H2E की अगर बात करें तो वो सर्कल से बाहर ही डैमेज लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्सी यहाँ पे कुछ क्रेट्स वगैरह लूट रहे हैं, शायद किसी प्लेयर को इनकी जानिब से एलिमिनेट किया गया है, लेकिन बाकी के इनके दो प्लेयर्स की बात करें तो वो शायद यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। जिस दो ही प्लेयर्स के साथ इनको सर्वाइव करना होगा, अभी कुछ क्रेट्स वगैरह मिले हैं, शायद उन्हीं को लूटने में बिजी हो चुके हैं। और KHK की बात करें तो वो यहाँ पे ब्रिज के दूसरे एंड पे मौजूद और यहाँ पे होल्ड करते हुए, और पहला नॉक उस्मान के ऊपर जाएगा। TBR की टीम के साथ एंगेजमेंट होती हुई टीम KHK की, लेट्स सी देखते हैं कि इन दोनों टीम में से कौन सी वो टीम होगी जो ये फाइट विन करेगी। KHK की बात करें तो इनका जो है स्प्रेड काफ़ी अच्छा रहेगा, हसन एक अलग एंगल के ऊपर मौजूद हैं और बैक एंड पे वलूद भी मौजूद रहने वाले हैं, वो भी कवर फायर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई भी टीम इस जानेब एग्रेस करती है तो हर डिफरेंट एंगल से इनके पास एक अच्छा जो है एक व्यू रहेगा, जहाँ से अपनी टीम को टीममेट्स को बचा भी सकते हैं और साथ ही साथ सामने वाली टीम को एक सरप्राइज भी दे सकते हैं। लेकिन छोटू यहाँ पे फाइनली जो एक प्लेयर नॉक थे उनके नॉक किया जाता है इनकी जानेब से, क्रॉसर रहेंगे अभी S11 के। छोटू के ऊपर अगर नज़र दौड़ाएं तो छोटू यहाँ पे ब्रिज के ऊपर पुल के ऊपर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स का जो है ना यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सामने वाली टीम को स्पॉट करने की, लेकिन ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं और गिरने के साथ ही नॉक हो जाएंगे। इनको रिवाइवल देना होगा जल्दी से, लेकिन इसी सारे सिनेरियो में देखना होगा TBR के प्लेयर्स की क्या उनकी नज़रें इस जानिब हैं, लेकिन दानियाल वो ब्रिज से नीचे उतर चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता इनके नॉक होने का। लेकिन टीम ऑक्सी फाइट में आते हुए ऑक्सी के बिल्कुल साथ शायद यहाँ पे CM के प्लेयर्स मौजूद थे, उनको एलिमिनेट किया जाता है। CM की टीम शायद हमें छोड़ के जा चुकी है इस मैच से, फाइट उनकी जानब से एक विन ज़रूर की जाती है, लेकिन जोन के अंदर एंट्री बनाने में अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं होते। ऑन द अदर साइड अगर H2E के प्लेयर्स की बात करें वो आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ते हुए जोन के कैच के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन जोन अगेन एक और शिफ्ट ले जाता है और अगेन जोन इनके दूर जाएगा। लेकिन मैक्सी की जानब से अच्छी मूव, वो थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, अपनी जो रास्ता है वो थोड़ा सा चेंज करते हुए सर्कल के अंदर जाने में लग चुके हैं। पुचिंकी के बिल्कुल पास ही ये सर्कल बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन KHK की बात करें वो ब्रिज के ऊपर मौजूद ज़रूर थे, लेकिन सर्कल इनसे दूर जा चुका है, अभी इनको भी सर्कल के अंदर जाना है। 300 meters सर्कल से बाहर हैं तो दोबारा से जो है रीग्रुप होते हुए अपनी व्हीकल्स पकड़ते हुए प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं और थोड़ी देर में इनकी जानब से भी जो सर्कल के अंदर जो है अपनी रोटेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। नंबर 13 के ऊपर टीम 4v रहने वाली है, 4v के भी तीन प्लेयर्स मौजूद हैं इस मैच में और तीनों के तीनों प्लेयर्स अभी तक किसी भी फाइट में इंगेज नहीं हुए और अभी तक उनके पास कोई भी किल मौजूद भी नहीं है और इनको भी 300 meters सर्कल के अंदर जाना है। लेकिन टीम RD ये काफ़ी अच्छे मौके पर जो है टीम के अंदर मूव करती है और सर्कल के सेंट्रल पॉइंट होल्ड कर लेती है। रहमान यहाँ पे अपनी व्हीकल लगा के आगे आने की कोशिश में थे, लेकिन चारों तरफ से स्प्रेज आते हुए हर तरफ से जो है इनके ऊपर डैमेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन KHK की टीम भाई क्या कर रहे हैं ये, KHK की टीम बैक टू बैक कुछ और नॉक्स निकाले जाते हैं उनकी जानिब से। तीन किल्स इनके पास भी आ चुके हैं और जोन के एक एच के ऊपर भी पहुंच चुके हैं वलूद, और बाकी के टीममेट की बात करें तो इनके वो भी आहिस्ता आहिस्ता से अभी इनके पास पहुंच जाएंगे।
छोटू अभी भी वेट कर रहे हैं, शायद इनको आइडिया नहीं है कि सामने जो टीम मौजूद थी वो वहाँ से रोटेशन डाल के दूसरी जानेब जा चुकी है, लेकिन वलूद की जानेब से अभी भी वेट किया जा रहा है। कार्बन की बात करें, सीएसबी कार्बन यहाँ पे व्हीकल लेके सॉरी बोट लेके आगे जाया जाता है, लेकिन हमजा जिस जगह पे रुकेंगे वहाँ पे छोटू मौजूद है, हसन मौजूद है, तो सीएसबी कार्बन के लिए मुश्किलात और ज्यादा बढ़ जाएंगी। दूसरी जानेब टॉक्सिक की बात करें तो वो यहाँ पे थोड़ा सा दूर से आते हुए हसन के ऊपर अपने क्रॉसर जमा चुके हैं, हसन को यहाँ पे डैमेज देना चाहते हैं, लेकिन बैकहेंड से भी बचना होगा। फोर विकेट टीम बिल्कुल पीछे इनके मौजूद है, अगर अपनी पोजीशन रिवील करते हैं तो इनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती है, लेकिन इनके टीममेट को नॉक कर दिया जाएगा। ट्रेड नॉक इनकी जानेब से भी जाता होगा, हसन को नॉक करते हुए, लेकिन हसन को रिवाइवल देना होगा केएचके के प्लेयर्स को, शायद ये रिवाइवल पॉसिबल ना हो पाए क्योंकि सर्कल से बाहर है, डैमेज काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सर्कल यहाँ पे फोर्थ स्टेज जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और केएचके की टीम वो आहिस्ता आहिस्ते आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन छोटू रोटेशन के दौरान पकड़े जाते हैं, उनको भी नॉक कर दिया जाएगा। अभी S11 और वलूद यही दो प्लेयर्स मौजूद हैं और इन्हीं दो प्लेयर्स के ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम की बनती हुई। वर्जिल जोन के बाहर डैमेज लेते हुए जोन के बाहर ही नॉक हो जाएंगे, किल को उठाया जाएगा टीम के एच के की जानेब से। लेस्को और रजा दोनों ही प्लेयर्स मौजूद हैं सर्कल के अंदर जाते हुए, बगीज लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस जानेब जा रहे हैं ALT के स्क्वाड बिल्कुल उसी जगह पे मौजूद है, यहाँ पे शैक के ऊपर रोका जाएगा। लाइक देखना ही होगा क्या शैक के अंदर पहुंच पाएंगे ALT की टीम के बीच। ALT के एक प्लेयर को नॉक किया जाएगा, खुद भी डैमेज लेंगे लेकिन नॉक नहीं होंगे, और लेस्को की बात करें तो वो यहाँ पे नॉक हो जाते हैं और शायद किल भी उनका कंफर्म हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे ALT की टीम के किल को उठाती हुई हमें नजर आएगी टीम ALT, एक किल इनके पास मौजूद है। चारों प्लेयर सर्वाइव करते हुए सर्कल अगेन एक शिफ्ट लेगा और सर्कल अगेन इनसे दूर जाता हुआ शेड यहाँ पे सर्कल के अंदर एंट्री बनाते हुए सर्कल के अंदर पहुंच जाएंगे, शेक के अंदर पहुंचे हैं, लेकिन शेक कब तक होल्ड कर पाएंगे क्योंकि इस शेक के ऊपर सभी ही टीम्स की नजरें रहने वाली। सबसे अच्छा एंगल तो यहाँ पे ALT की टीम का रहने वाला है, ALT की टीम बिल्कुल भी नहीं चाहेगी यहाँ पे प्लेयर्स बिल्कुल हमारे पास आके रुक जाएं। हसन को नॉकडाउन किया जाएगा, लेकिन हसन को रिवाइवल देने के लिए उनके प्लेयर्स पास ही मौजूद हैं, 5 किल्स इनके पास भी मौजूद है। टोटल 8 टीम्स हमें इस लोबी के अंदर अभी तक सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे, जिसके अंदर ऑक्सी के चारों प्लेयर्स मौजूद हैं, ALT की फुल प्लेज्ड स्क्वाड यहाँ पे मौजूद रहने वाली है, ALT की भी चारों प्लेयर्स मौजूद हैं, 4B रजा सोलो प्लेयर मौजूद है। KHK की बात करें उनके जस्ट 2 ही प्लेयर्स मौजूद रहने वाले हैं और अभी KHK एक एज के ऊपर मौजूद है, उनको सर्कल के स्पॉट कर चुके हैं वलूद, शायद ये किल उठाना चाहते हैं। KHK का पास भी 6 किल्स और 2 ही प्लेयर्स अभी तक जो है सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। KS11 की बात करें तो वो सर्कल के अंदर एक अच्छे पॉइंट के ऊपर मौजूद है, बिल्कुल पास इनके 7 बैंडेड के प्लेयर्स जो काफ़ी देर से सर्वाइव कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल 7 वाले कंपाउंड के अंदर रुका जाता है उनकी जानेब से, लेकिन डॉक्टर हाशमी वो भी जो है जोन के अंदर एंट्री बनाने में कामयाब हो जाएंगे, वो भी इन्हीं कंपाउंड्स के अंदर आ रहे हैं। इस जगह पे कितने ज़्यादा सोलोज जमा होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, लाइक 20 MVP भी यहाँ पे मौजूद हैं, हाशमी भी इधर आ जाते हैं और KHK के प्लेयर्स भी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। ऑन द साइड टीम डिस्ट्रॉयर के साथ और डिस्ट्रॉयर की टीम के लिए मुश्किल काफ़ी बढ़ा दी जाती हैं। डेस्ट नाइट नॉकडाउन पड़े हुए, हुसनैन यहाँ पे टीममेट को बचाने के लिए पास मौजूद जरूर है, लेकिन कब तक बचा पाएंगे क्योंकि उनको बाहर जाना होगा रिवाइवल देने के लिए और बाहर जाना के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता है। लेकिन फाइनली यहाँ पे स्मोक से कुछ कवर था और उसी का एडवांटेज उठाते हुए अपने प्लेयर को रिवाइवल देने के लिए बाहर जा चुके हैं हाशमी, वो इसी कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं और 7 बैंडिट के प्लेयर यहाँ पे KHK के हाथों एलिमिनेट होते हुए KHK की टीम 2 प्लेयर्स मौजूद हैं और हाशमी के ऊपर भी क्रॉसर रहने वाले हैं। वलूद यहाँ पे 1v1 लेना चाहते हैं हाशमी वर्सेस वलूद, लेट्स सी कौन सी टीम यहाँ पे विन करती है, कौन सा प्लेयर ये 1v1 विन करता है। नेट फेंक के मोली करके सामने वाले प्लेयर को अभी डैमेज दिया जाएगा पहले, उसके बाद शायद यहाँ पे एग्रेस करते हुए नजर आएंगे और हाशमी को इसी के साथ DBS का एक शॉट पड़ता है और उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। टीम KHK टोटल 9 किल्स निकाल चुकी है, 3 वलूद के पास रहेंगे, 2 S11 के पास रहेंगे, हसन भी 3 किल निकाल के जाते हैं लेकिन वो जो है इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं और अभी जस्ट 5 ही टीम्स रहने वाली हैं। ALT शेड की बात करें तो अकेले अभी इस शैक में अभी टीम को बचाते हुए, लेकिन ऑक्सी दूसरी जानेब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हुई, लेकिन EB को गंवाना होगा, EB सर्कल से बाहर हैं, वो यहाँ पे ब्लीड आउट होते हुए नजर आएंगे और प्ले जोन के डैमेज से ही वो जोन से बाहर ही ब्लीड आउट हो जाते हैं। लेकिन ऑक्सी के बाकी तीनों प्लेयर्स मौजूद हैं, ऑक्सी के पास भी अच्छे खासे किल्स मौजूद रहने वाले हैं, टोटल 8 किल्स इनके पास भी मौजूद है। सामने ALT के
चारों के चारों प्लेयर मौजूद और उनकी जानब से नेड्स किए जा रहे हैं। नेड्स के साथ यहाँ फिर इस एग्रेस को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एंडलेस आगे बढ़ते हुए एंडलेस को बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं होता। मैमो के बिल्कुल पास आते हैं लेकिन स्पॉट नहीं कर पाते, लेकिन मैमो नेड फेंकेंगे, लॉक करेंगे, किल कंफर्म करेंगे, पिम्स के ऊपर भी स्प्रे जाएगा, पिम्स की काफी कम एचपी के ऊपर कर दिया जाएगा, लेकिन शाका ट्रेड फायर देते हुए और एक नॉक निकाल के दूसरा नॉक भी देते हुए टीबीएस के शॉट्स यहां पे शाका के बहुत ही ऑन पॉइंट जाते हुए दो बैक टू बैक प्लेयर्स को नॉक एंड किल जो है कंफर्म कर लिया जाएगा। असद काफी कम एचपी के ऊपर जा चुके थे लेकिन अभी शाका नहीं रुकने वाले, वो नहीं रुकने वाले, अगेन आगे जाते हैं। शाका की जानिब से एक और डीबीएस शॉट दिया जाता है, असद को नॉक किया जाता है, किल कंफर्म किया जाता है और इसी के साथ यहां पे देखते ही देखते 2v4 कर दिया जाता है। ALT की टीम जो काफी देर से इस जगह को होल्ड करके बैठी हुई थी उनको जो है इलिमिनेट कर दिया जाएगा टीम ओग्जी की जानिब से। ओग्जी यहां पे 12 किल निकालने के साथ यहां पे डोमिनेशन के ऊपर जाती हुई बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस, शाका के पास टोटल 6 किल्स आ जाते हैं। शाका काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हुए ऑलरेडी 6 किल्स उनके बैकपैक में आ चुके हैं। सामने KHK के दो प्लेयर्स मौजूद हैं, उसी के अलावा डेस्क की बात करें तो डेस्क के प्लेयर्स एक नेड के साथ ही दोनों शिकार हो जाते हैं। KHK ये भी बैक टू बैक किल्स जो उठा रहे हैं, 11 किल्स इनके पास भी मौजूद हैं। ऑन द साइड अगर ओब्सी की बात करें 12 किल्स उनके पास रहने वाले हैं। 2v2 की एक लास्ट फाइट बनती हुई, देखना ये होगा कि कौन सी टीम ये फाइट विन करेगी। सर्कल का अगर एडवांटेज देखे तो सर्कल दोनों ही टीम्स को फेवर करता हुआ, दोनों ही टीम्स के पास सर्कल का एक एज मौजूद रहेगा। KHK की टीम सर्कल के एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है, ऑलमोस्ट एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाती है, लेकिन फीम्स यहां पे नॉक हो जाएंगे S11 के हाथों और वलूद यहां पे अभी स्पॉट करने की कोशिश में और शायद ये किल उठाना चाहते हैं, इस शेक के ऊपर चढ़ना चाहते हैं लेकिन उसमें अभी तक कामयाब नहीं हो पाते। नेट जितने भी थे फेंकने की कोशिश की जा रही है स्मोक्स के अंदर, उनको आइडिया है कि ये प्लेयर यहाँ पे छुपते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के साथ यहाँ पे नेड हिट करेगा और शाका को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो जी टीम KHK पिछले कुछ मैचेस में उस तरह की खास परफॉर्मेंस नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन इस मैच के अंदर फाइनली एक कमबैक मैच निकाला जाता है और बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस के साथ। ओवरऑल अगर किल्स की बात करें तो 13 किल्स के साथ चिकन डिनर्स की ओर किया जाता है, जिसमें से 5 किल्स S11 के पास रहेंगे, 3 किल्स हसन के पास, 4 किल्स वलूद के पास रहेंगे और 1 किल छोटू निकाल के जाते हैं। जी टीम KHK जो पिछले मैचेस हो चुके हैं अंदर किसी मैच के अंदर जो है 7-8 किल्स भी इन्होंने निकाले थे, किल्स निकाल लेते थे लेकिन जो परफॉर्मेंस थे उसको चिकन डिनर तक लेके नहीं आ पाते थे। इस मैच के अंदर फाइनली जो है चिकन डिनर के साथ एक कमबैक मैच निकाला जाता है। नंबर सेकंड के ऊपर टीम ओग्जी रहेगी, उन्होंने भी ये मैच काफी अच्छा खेला, पिछले मैच के अंदर भी नंबर सेकंड पे रहे, इस मैच के अंदर अगेन अपने आप को सेकंड के ऊपर लेके आते हैं और टोटल किल्स की बात करें तो 12 किल्स इनके पास भी रहने वाले हैं, जिसमें से 6 किल्स शाका के पास रहेंगे। टीम डिस्ट्रॉयर वो भी टॉप 3 के अंदर आते हैं, उनके पास भी 4 किल्स रहने वाले हैं। नंबर 4 के ऊपर टीम ALT रहेगी, ALT की बात कर लें तो पास भी यहाँ पे टोटल 8 किल्स रहने वाले हैं, तो परफॉर्मेंस इनकी भी निकाली जाती है। नंबर 5 के ऊपर टीम RD 1 किल के साथ और नंबर 6 के ऊपर टीम डॉक्टर रहेगी 0 किल के साथ। नंबर 7 टीम 7 बैंडित 1 ही किल के साथ। नंबर 8 4 वीकर स्क्वाड 1 किल। नंबर 9 CSB कार्बन 4 किल के साथ। नंबर 10 के ऊपर H2E का स्क्वाड रहेगा 1 किल के साथ। नंबर 11 TR का स्क्वाड 2 किल के साथ। नंबर 12 TW का स्क्वाड रहेगा 2 किल के साथ। और नंबर 13 के ऊपर CM की टीम रहेगी 4 किल के साथ। नंबर 14 TX का स्क्वाड 0 किल के साथ। नंबर 15 यूजर ऑफिशियल 0 किल। नंबर 16 PLR का स्क्वाड 0 के साथ। हमारा आज का लास्ट मैच भी यहां पे एंड होता हुआ, टीम्स ने काफी अच्छा खेला, हर मैच के अंदर हमें एक डिफरेंट टीम डिफरेंट देखने को मिला। अभी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर K2 Gamers पाकिस्तान के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर मिल जाएंगी आपको, अगर आपने फॉलो नहीं किया अभी तक तो जल्दी से जाके जो है आप लाजमी से फॉलो कर ले। और स्ट्रीम को अगर आप देख रहे हैं तो लाजमी से स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जब भी स्ट्रीम स्टार्ट हो आपका आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही एक्शन था, आई होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा, K2 Gamers की जो काविश है ये आपको अच्छी लगी होगी। टोटल 1,000,000 का एक प्राइस पूल निकाला गया है, जिसमें गेमर पाकिस्तान और K2 Gamers एक अच्छे लेवल का टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर करवाया जा रहा है, सभी टीम्स को एक फेयर प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि वो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करें और जो है अपने आप को जो है इस प्राइस पूल के हिस्से का जो है सदार बना पाएँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल के दिन दोबारा से सेम टाइम के ऊपर कुछ नए नाम के साथ, कुछ नए ग्रुप्स के साथ, जिसके अंदर हमारी जानी मानी प्रो टीम्स भी हों,
हमारी इमैच्योर टीम्स भी होंगी। तो आज के लिए दे इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।